उससे रिलेटेड था क्वेश्चन कि वो उसको हम पढ़ेंगे, जैसे हमें कोई FAQ बोर्ड बनाना हो। नॉलेज ग्राफ की बात कर रहे हैं आप? जी नॉलेज ग्राफ को हम देख लेते हैं क्या रिपोर्ट है उसकी। अच्छा, लास्ट जब मैंने चेक किया था तो वो जस्ट आपको ये बोलता था ना कि आप कोई PDF की फ़ाइल है, कोई FAQ का आपका डॉक्यूमेंट है तो वो आप मुझे दे दो, मैं उसमें से ना ख़ुद ही निकाल लूँगा। ठीक है, अब अभी तक बीटा में यही है? सर, मैंने ये किया तो था लेकिन ना मुझे इसका फ्लो समझ नहीं आया, मतलब अपलोड तो हो गए थे FAQs, मतलब नॉलेज कलेक्टर प्लीज़ इनेबल द बीटा फीचर्स। अच्छा, बीटा फीचर्स इनेबल करने होंगे। आ जाओ भाई, बीटा फीचर इनेबल कर देते हैं। कहाँ चला गया बीटा फीचर? एडवांस में। अबे बीटा फीचर्स क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या बात हो गई? एडवांस में हो शायद। ओ नहीं, मैं असल में ये पुराने वाले पे खड़ा हुआ ना, ये काफ़ी ये V1 पे बना हुआ चैट बॉट है ये वाला। अच्छा। हेलो वर्ल्ड एजेंट, ये है हमारा वाला, नहीं इसके ऊपर वाला था हमारा। अच्छा, हमने तो शायद वो होटल बुकिंग कर लिया था अभी ना, नया जो कल लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। नहीं, ये हेलो वर्ल्ड एजेंट मेरे ख्याल से, या होटल बुकिंग एजेंट है। हाँ नहीं, होटल बुकिंग एजेंट होटल होगा। बुकिंग ऑनलाइन, ये हमने लास्ट कर लिया था। हाँ, तो इसी ऑनलाइन में करते हैं क्लास जो का। भी चेंजेस हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब गया यस नॉलेज कनेक्टर में, इसने बोला बीटा API इनेबल करो, बीटा API, ये रहा बीटा फीचर्स। वो असल में वो V1 वाला बॉट है इसलिए उसमें नहीं शो हो रहा। अच्छा, बीटा को इनेबल करने के बाद मैंने सेव किया, उसके बाद मैं नॉलेज में चला गया। अच्छा, नॉलेज में जाने के बाद नो नॉलेज हैज़ बिन क्रिएटेड, नॉलेज कनेक्टर प्रोवाइड यू डायलॉग फ्लो एजेंट विद द कैपेसिटी ऑफ आंसरिंग क्वेरी बेस्ड ऑन सोर्स नॉलेज सच एज वेबसाइट, FAQ और नॉलेज बेस्ड आर्टिकल। ठीक है, अभी हम निकालते हैं किसी का FAQ। हम निकाल लेते हैं, hotels.com। एक मिनट, पहले मैं ज़रा पेनियर का निकालता हूँ। ये रहा पेनियर, एक है आपका एक बैंकिंग सर्विस है एक तरह की, पेपाल के टाइप की। ठीक है भाई, ये लेकिन काफ़ी छोटा सा डॉक्यूमेंट है वाली। होम पेज FAQ, अच्छा पैट्रियन का भी एक, ओके ये FAQ डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लंबा है। सही है, इसका हम निकालते हैं लिंक, और लिंक निकालने के बाद क्रिएट फर्स्ट वन किया मैंने। मैंने कहा इवन किसका खोला हुआ, पैट्रियन का। अरे यहाँ पे FAQ पेनियर लिखा हुआ आ रहा है अभी तक। ओके, पैट्रियन के अंदर भी पेमेंट सिस्टम है तो पेनियर वहाँ पे भी इसलिए पेनियर आ रहा था। अच्छा, मैंने कहा भाई सिर्फ पैट्रियन सपोर्ट लिख डॉट। अच्छा सेव। सही है, ये मैंने लगा दिया, और अब ये डॉक्यूमेंट है आपका, बस इसको क्रिएट करते जाओ और ये खुद ही जो है ना चलता जाता है। मैंने कहा URL है मेरा वो FAQ वेब पेज, नॉलेज टाइप जो है वो FAQ है, माइम टाइप इसका है HTML, URL है इसका मेरे हाथ में, ये वाला नहीं है, URL इसका दे देता हूँ मैं। ये नॉलेज टाइप में डिफरेंस क्या है, अगर ये देते हैं FAQ और एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग अगर है तो? क्वेश्चन आंसर वो होता है कि लोगों ने सवाल पूछा हुआ है और उसका आंसर दिया हुआ है किसी ने। ये डॉक्यूमेंट में आप मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नॉलेज टाइप में दोनों में एग्जैक्टली वो छोटे छोटे क्या और डिफरेंस डिफरेंस है, ये है। लेकिन सही, मेन डिफरेंस यही है कि एक FAQ का डॉक्यूमेंट है जो आपने लगाया हुआ है, यानी आपने ख़ुद से ही मेकअप करके लगा दिया है, और एक एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है ये क्या है कि कहीं से आपने एक्सपोर्ट किया है, कोई चैट वगैरह है आपकी बहुत सारी तो उसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर आपने आंसर किया हुआ है या एजेंट ने आंसर किया हुआ है।
इनेबल ऑटोमेटिक रीलोड। अच्छा, ऑटोमेटिक रीलोड क्या करेगा कि हर थोड़ी देर बाद ना उसको डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश कर लेगा। अगर मिसाल के तौर पर वेबसाइट पे आप चेंज करते हो तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो हम इनेबल कर देते हैं इस पर। कितने दिन पे करेगा ये? एवरी डे करेगा। ठीक है भाई। एट अ पिक टाइम बाई द सिस्टम दिस फीचर ओनली अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट सोर्स फॉर पब्लिक यू आर एल। ठीक है, पब्लिक यू आर एल नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा भाई, ये आपका जो है ना डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, एग्जीक्यूट रिस्पॉन्स यूज़र। इसको मैंने कर दिया सेव। व्यू डिटेल्स में ज़रा करता हूँ इसके। तो ये ना इन्होंने क्वेश्चन अलग कर लिया और उसका आंसर ये इतना बड़ा निकाला। ये क्या सीन है यार, एक ही क्वेश्चन पकड़ा है इसमें। यहाँ तो इतने सारे थे वो क्वेश्चन। एक्सट्रैक्टिव करके देखें, एक्सट्रैक्टिव से शायद हो जाए। वेल, अभी ये बीटा में है वैसे भी, तो इसका अभी मेरे कोई। ख्याल से अगर हम उसको एक्सट्रैक्टिव में चेंज करते हैं तो शायद हो जाएगा। अच्छा, चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है वैसे इसमें। इसको आई थिंक मुझे दोबारा ही ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, वेल, न्यू डॉक्यूमेंट, और मैंने कहा एफ ए क्यू, न्यू नॉलेज टाइप, यू आर अच्छा एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसर में ये पब्लिक यूआरएल का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा, ये एफ ए अच्छा क्यू में ही हो रहा है। फिर मुझे उस फाइल को डाउनलोड करके और यहाँ पे ना सही अपलोड सही करना सही होगा। अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, अपलोड करना होगा मुझे। वेल, ये अभी भाई बीटा फीचर है, इसको थोड़ा स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद इसको हम डिस्कवर कर लेंगे। अभी ना ऐसे ही है बस ये, क्योंकि इसने क्वेश्चन एक ही पकड़ा। अब वही क्वेश्चन बंदा दे पूछेगा तो उसका जवाब मिलेगा उसको। ये ना मैंने किसी का ऑनलाइन एक ये देखा था, वो इसेंशली क्या होता है, वो डिपेंड्स ऑन द वेब पेज होता है। सही है, तो कुछ वेब पेज ऐसे डिजाइंड हैं कि उसमें उसको मुश्किल हो जाता है। गूगल ने जैसे, अगर आप गूगल का ये एफएक्यू का कोई पेज लगाओगे ना तो वो लाइक बराबर पकड़ लेता है, लाइक यू नो डायलॉग्स लो, एफएक्यू अगर देख लो। सर मैंने फाइल से किया था तो उससे तो सारे हो गए थे, बस मुझे ना उसका जो फ्लो था, मतलब इसमें फाइल अपलोड करती कोई इंटेंट वगैरह नहीं बनेगी, डायरेक्ट उसको आंसर देते रहे। नहीं, असल में आप एक बार इसको जब क्रिएट कर देते हो ना, मैं एक मिनट ये दूसरा एफ ए क्यू लगा के देखता हूँ जो सलील ने बोला ना, ये वाला लगा के देखता हूँ। मार्कअप एफ ए क्यू स्ट्रक्चर। आई यूआरएल लगा दो, लेकिन यहाँ पे जरा सवाल कोई दिख ही नहीं रहे थे मुझे। हाँ, ये तो एरर दे दे रहा है, ये कौन सा सीन है? ये मैंने अभी आपको एक लिंक भेजी है, ये ले लो। उसको सवाल और जवाब चाहिए।
क्या हो गया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था क्या? हाँ डॉक्यूमेंट तो बड़ा ही। अच्छा भाई डॉक्यूमेंट क्रिएटेड डिटेल। हाँ यार सही कहा था आपने, कुछ FAQ के डॉक्यूमेंट। अच्छा इसमें भी अच्छा 11 पेजेस हैं यार आगे, सही है सारे उठा लिए इसमें। उसको क्वेश्चन और आंसर चाहिए, क्वेश्चन और आंसर सही है। चाहिए। अब मैं गया वापस नॉलेज में। अब ये अब 1 मिनट, 1-2 क्वेश्चन इसमें से हम देख लेते हैं ना, उसका ये जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा पता चल जाएगा। वो पेज पे तो है हमारे हाउ कैन आई पास पेज। मॉनिटर, लाइक आई विल से हाउ कैन आई मॉनिटर। अच्छा ये इंटेंट पकड़ लिया इसने कि नॉलेज का कोई इंटेंट ना मैच हो रहा है, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। अभी ये रिस्पॉन्सेस करके आ रहा था ना नीचे, वहाँ पे हम रिस्पॉन्स बना देते हैं इसका, राइट। एग्जीक्यूट द यूज़र रिस्पॉन्स। अच्छा हाँ ये है आंसर 1 जो पहले से उन्होंने लगाया हुआ है, इसके शुरू में या आखिर में कुछ आपने लगाना है। मिसाल के तौर पर डॉट लगा के आपने बोला प्लीज़ विजिट आर पेज एट, और उसके आगे आपने जो है ना वेबसाइट लगा दी स्लैश फॉर मोर FAQs। डिटेल्स। सही है, तो अभी इस तरह करेगा, इसी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा सम टाइम 2 आंसर अगर मैच होते हैं ना, तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह 2, 3 भी कर सकते हैं, कि भाई अगर 2 आंसर मैच हो रहे हैं तो और लगा के आप दूसरा वाला सामने लगा दें, डिपेंड्स ऑन के किस टाइप का आपका वो है। तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं, सेव कर दिया इसको मैंने, और मैंने अभी इसको बोला हाउ कैन आई मॉनिटर, यू कैन ट्रैक यूजेज। हाँ यार सही पकड़ लिया इसने। वो फायरबेस के FAQ पेज पे जाके और कोई उठा के देख लो मैं वैसे ही बस। पूछता हूँ ना, कैन आई होस्ट माई वेब पेज, नहीं पकड़ा इसमें। वट अबाउट होस्टिंग, अच्छा अंदर से ही देखना पड़ेगा। वो फायरबेस का पेज खुला हुआ है आपके पास हाँ FAQ ये का। खुला हुआ है ना मेरे पास पेज। हाउ डू आई अपग्रेड लाइक दिस, पकड़ लिया भाई। नाइस। अच्छा ये और अपग्रेड लेकिन हाँ प्लान अपग्रेड वाला हुआ है, नॉट जीएस वाला नहीं हुआ इसका। अपग्रेड नोड करोगे तो नोड वाला भी आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ हाउ डू आई अपग्रेड नॉट, एक मिनट। नहीं अच्छा अपग्रेड एक ही है वो ब्लेज प्लान करके ना, मेक श्योर यू आर ऑन ब्लेज प्लान, अच्छा वो यही वाला ही है। सही है सही है। तो मतलब सही हो रहा है, सेट हो रहा है ये। हाँ अच्छा लास्ट में ये विजिट आवर पेज वाला भी डेटा भी आ रहा है लास्ट में, क्या बात है। और हम कोई ऐसे पूछते हैं रिमोट कॉन्फिग व्हाई डोंट फेच वैल्यूज चेंज द बिहेवियर अपीयरेंस। तो हम इसको अभी पूछते हैं कि व्हाई Why don't fetch values change? बस इतना पूछ लेते हैं। चेंज द बिहेवियर एंड अपियरेंस ऑफ माई ऐप, वाई बिहेवियर की स्पेलिंग भी गलत की मैंने, VHAVIOUR OUR सही। नहीं इसको आई थिंक एग्जैक्टली ये शायद थोड़ा सवाल भी थोड़ा मुश्किल है बट ये शायद। हाँ सवाल वियर्ड था। हाउ व्हाट कैन आई डू इफ आई एम ओवर माय रियल टाइम डेटा यूसेज लिमिट, डेटाबेस यूसेज लिमिट। व्हाई वाज रियल टाइम डेटाबेस रिपोर्टेड, Why am I नहीं not seeing real time display of performance data? Yeah, how many custom URL patterns can I create? Who are a performance monitoring with? Why am I not seeing real time display? Why am I not seeing real time data? Is it? हाँ पकड़ लिया इसने सेट।
तो बस इतना ही था। हाँ हाँ भाई, तो ये नॉलेज कनेक्टर हमारा तकरीबन कवर हो गया, इसमें तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा अभी ये जैसे मैंने एक नॉलेज बनाया है, अब एक नॉलेज के अंदर ना एक डॉक्यूमेंट डाला है मैंने, इसमें मैं 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट डाल सकता हूँ, फिर उसके अलावा मैं दूसरी नॉलेज भी बना सकता हूँ, एक और नॉलेज बना सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा फिर ये एडजस्ट द रिज़ल्ट प्रेफरेंस कि भाई कितना ज़्यादा उसके ऊपर मतलब मैच करे, यानी नॉर्मल वाले इंटेंट को छोड़ के उसके ऊपर भी जाए, ठीक है। तो अगर मैं फुल स्ट्रॉन्गर कर दूंगा ना, तो ज़रा सा भी अगर मैच हुआ ना उससे ये, तो वो नॉलेज की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको वीक कर दूंगा तो फिर ये यानी नॉर्मल वाले जो इंटेंट्स हैं उनकी तरफ जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। हाउ स्ट्रांगली यू प्रेफर नॉलेज रिजल्ट, कि अगर नॉलेज से वो टकरा जाए तो आप क्या करते हैं? जीरो का मतलब है कि न्यूट्रल है। सही सही। और इसमें अलग अलग नॉलेज बेसिस देने का, अदर देन यू नो इट बीइंग लाइक अ डॉक्यूमेंट या फिर यूआरएल, व्हाट इज द रीजन, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है पीछे की कि मेरे पास अगर फाइनेंस का एफएक्यू है तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स अलग रखूं, ये थॉट प्रोसेस है उसका? हाँ ये आपने अच्छा सवाल पूछा। जैसे इसका नाम मैंने रखा है FAQ, दिस नॉलेज हाँ बेस इज़ कॉल्ड FAQ। तो अब इसमें ना सही। मेरी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मेरे पास इस तरह की नॉलेज है मौजूद, सही। जो क्वेश्चन कोई बंदा करे ना, तो वो मिसाल के तौर पे होम पेज पे भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो कोई बंदा कभी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ योर स्पेशल ऑफर टुडे लाइक दिस। तो वो वाली यानी FAQ से रिलेटेड जो चीज़ें वो सारी एक तरफ कर दी। फिर मिसाल के तौर पे मेरे पास ना वेबसाइट है, वो पोएम्स की वेबसाइट है जस्ट इन केस। सही तो सही। अभी वो सारे पोएम्स की भी लिस्ट जो है ना, मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँगा एक और मैं इसमें लिखूँगा भाई पोएम्स हैं ये मेरी सारी। सही। तो अभी क्वेश्चन में पोएम का टाइटल हो सकता है, नीचे पूरी पोएम हो सकती है, तो अच्छा और इस तरीके से प्रोडक्ट्स हो सकती हैं मेरी नॉलेज बेस में, ठीक है। मैं सही। प्रोडक्ट्स लगा दूं और हर प्रोडक्ट का नाम होगा टाइटल में, वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और फिर मतलब नीचे कैटेगरी कैटेगरी हो गई और फिर कैटेगरी के अंदर उसके मतलब क्या हाँ प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई, तो अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में पूछूंगा उस कैटेगरी का, वो हाँ उस कैटेगरी के नॉलेज बेस से वो उठा के लेके आएगा। हाँ तो अभी ऐसा है कि इसमें इतनी सर्टेनिटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली होगा क्या, लेकिन मतलब चूंकि ये बीटा में अभी, तो एक्चुअली पीपल आर फिगरिंग इट आउट कि अभी ये किस तरह से एग्जैक्टली यूज़ हो रहा होगा ना। तो वेल आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा, इसी तरह से जो है ना वो चल रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाएंगे वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। सही सही। अच्छा अब हम और क्या करने वाले थे इसमें आज? सर और एक लास्ट क्वेश्चन पूछू? सॉरी सर एक लास्ट हाँ हाँ क्वेश्चन पूछो सवाल, तो मैं हमेशा वेलकम हूँ सवाल के लिए। सर, वो मैंने जैसे ना बहुत सारी वो देखी थी, मतलब बिल्कुल से ना चैटबॉट की कस्टमाइज यूआई, कस्टमाइज यूआई के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, मतलब कोई ऐसे कोई लाइब्रेरीज वगैरह, क्योंकि मैंने रिएक्ट की देखी थी वो, लेकिन काफ़ी पुरानी थी इनके। अच्छा एक तो यूआई हमने रिएक्ट ऐप में ख़ुद से बनाई थी, राइट। एक मैं और सजेस्ट कर देता हूँ, रिएक्ट चैट विजेट, सही है रिएक्ट चैट विजेट जो है ये भी अच्छा आइटम है। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, बाकी लोगों को आ रही है? जी सर हाँ। काइंडली आप ना ज़रा रिकनेक्ट करके देख लें इनको, ज़रा प्लीज़ मैसेज में कोई बता दीजिए कि रिकनेक्ट करके ट्राई करें ये। हाँ उमेर भाई अगर नहीं वो चले गए। अच्छा नहीं कुछ है कुछ इस तो तरह मैसेज। का यूआई बन जाता है आपके पास रिएक्ट चैट यूआई में। एक मिनट में ज़रा कुछ आपको खोल के दिखाऊंगी, ठीक है। ये इसका कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है। और ये मैंने सर एक्सप्लोर की थी ये वाली, लेकिन ना मैंने एक जगह देखा था वो बिल्कुल से कस्टमाइज थी, मतलब उसमें
खुल रहा है तो फिर हाफ हाफ कर गया है, तो हाफ हाफ करके आ रहा क्या मतलब? मतलब पहले उसका गोल सा बना हुआ आ रहा था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसका कस्टमाइज हुई थी सो उसका। आप वो वाली बता रहे हो जो आपने मुझे दिखाई थी, वो जी। वेबफ्लो का था, किसका था? वेबफ्लो का चैटबॉट था एक, मैंने इन्होंने मुझे तो दिखाया था, वेबफ्लो चैटबॉट हुआ है। अच्छा ये वीडियो चल रही है, ये क्या चल रही नहीं है? वो ओपन इन वेब फ्लो करोगे तो वो ओपन लाइव साइट रहा, ओपन लाइव साइट ये राइट में अगर आप क्लिक करोगे। अच्छा सही है। ये अलग है, एक एक वेबसाइट थी जिसपे ये क्लिक करने के बाद हर हाँ मैसेज अलग अलग आ रहा था, ठीक है? मतलब यू नो टेक्स्ट मैसेजेस में कैसे लाइक यू नो ये सिर्फ हे देयर जो है ना वो अलग आ रहा है, समझ रहे हो आप? पीछे का जो बाउंडिंग बॉक्स है वो नहीं था। अच्छा नहीं था, ट्रांसपेरेंट था वो। हाँ वो वो ट्रांसपेरेंट था तो और है उसमें सिर्फ मैसेजेस लाइक एसेंशियली आ रहे थे। यार, वो तो 1 मिनट में अभी इसी में कर दूंगा मैं, वो तो इतना मसला नहीं है जो आप कह रहे हो। ओके अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यूँ, ये खुल गया ना, इसका मैं बैकग्राउंड हाँ उड़ा दूंगा यहाँ से, ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अरे मेक सेंस, यार इसका लेकिन वो बैकग्राउंड, कंटेनर होगा ना उसके अंदर रखे होंगे ना वो चीजें। ये जो इसका मेन बैकग्राउंड है ना, इसका बैकग्राउंड कलर सेट हुआ हुआ होगा, वो कलर उड़ा दूंगा मैं इसका। ये लो हो गया ट्रांसपेरेंट। अच्छा सही। और सर ये जो इसमें आया भाई ये कार्ड है सही ना, है, ये जो ऑप्शन आया ना, ये वेब डिजाइन, वेब असल में फ्लो और वो इसके साथ डिजाइन। मैंने वो किया ना तो थोड़ा ये गड़बड़ हो गई। अच्छा नहीं, इस अभी क्लिक वाला हो गया सीन, सही है। अच्छा अभी इसमें कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं लगी हुई, इसलिए वो फील नहीं हो रहा। ये शायद नीचे कहीं हो बैकग्राउंड इमेज, नीचे। अच्छा नीचे कुछ है ही नहीं, तो मैं काम करता हूँ उसमें बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ ऐसे ही। ये इसकी बॉडी है ना, तो बॉडी का जो कलर है इसके वो ब्लैक किया हुआ है इन्होंने। अच्छा और किस पे ब्लैक किया हुआ है? बैकग्राउंड कलर कहाँ किया हुआ है इसने? ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक कहाँ से आ रहा है? ये रहा, ये मैंने बैकग्राउंड कलर हटा के ना, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ एक, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड इमेज के बाद मैं एक यहाँ से कार उठा लेता हूँ अच्छी सी, लाइक दिस। अच्छा ये छोटी छोटी साइज में, वेल सारी छोटी साइज में आ गई। नहीं, आप ओके ये आर्टिकल हाँ यार, टूल्स से मुझे शायद बिक करना पड़ेगा। में जाके आप साइज चेंज करोगे। वेल अभी मैं, अच्छा किस पे लगाना था मैंने, इस वाले पे ना? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, माइक बंद हो गया आपका। नहीं मेरा माइक तो यार ऑन है, बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। उमेर भाई हमें आवाज आ रही है, एक काम कर लें अगर सर आपने माइक बंद किया हुआ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यार मेरा माइक ऑन है मेरी जान, मेरा माइक तो ऑन है, मैंने उसको म्यूट अनम्यूट करके भी दे दिया, मेरा माइक तो सही है। उमेर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं उनको शायद मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा भाई तो ये हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया इसके साथ, ट्रांसपेरेंट बना दिया इसको हमने। अच्छा तो
अच्छा तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था ना मैं, रिएक्ट चैट विजिट, अरे इसमें हटा दिया क्या इन्होंने, इसमें एक लगा हुआ था यही चैट विजिट ही लगा हुआ था। और भी मैंने किसी को लगा के दिया रिसेंटली अभी। क्या ढूंढ रहे हो? नहीं मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इन्होंने हटा दिया या लगा हुआ है अभी भी, वो इस जगह पे कहीं पे मैंने एम्बेड किया था कोड ना, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। चैटबॉट? हाँ यही रिएक्ट चैट विजिट वाला हटा दिया इन्होंने। अब आ रही है आपको आवाज उमेर भाई? जी आ रही है, मैंने रिजॉइन किया वो प्रॉब्लम के हो ओके, गई। सही सही होपफुली मेरी भी आवाज़ आ रही होगी। जी जी सर। हाँ वो इन्होंने हटा दिया। वेल तो हम इनका इन्हीं का लाइव खोल के देख लेते हैं ना, रिएक्ट चैट विजिट वालों का, इन्होंने लाइव डेमो कहीं दिया है क्या? हाँ लेकिन रिएक्ट चैट विजिट के अलावा और कोई आपके जहन में ऐसे हैं लाइब्रेरीज की, लाइक यू नो बाकी? अच्छा कुछ कुछ पेड हैं वो भी सही हैं, जैसे एक है बॉर्ड कॉपी, वो पेड है अच्छा है, लेकिन अच्छा यहाँ साइड पे इनका चैटबॉट आता है अभी पता नहीं। हाँ आ गया अच्छा ये रहा, तो नाइस। इसमें ये फुल स्क्रीन भी हो जाता है और ये छोटा भी हो जाता है, इसमें चड़िंग पड़िंग भी आता है। और इनका जो सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि गूगल असिस्टेंट के जितने रिस्पॉन्सेज हैं ना ये एज इट इज़ उसको सपोर्ट करते हैं, अच्छा तो आउट ऑफ द इनका बॉक्स। ये। हाँ मतलब जो जेसन आप गूगल असिस्टेंट के लिए भेजते हो ना वही सेम आप वेब के लिए भी भेज सकते हो, क्योंकि हमारे हमने जो यूज़ किया था हमारे केस में हम अलग अलग भेजते थे, क्योंकि होता क्या था कि फ्रंट एंड पे हमारे पास वो गूगल असिस्टेंट के सारे अप्लाई नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हुए होते थे, तो ये कहते हैं आप फ्रंट हाँ एंड पे अपने गूगल असिस्टेंट के सारे रिस्पॉन्सेज इम्प्लीमेंट करोगे आप हमसे ले लो ये, तो आप जस्ट ये सही लगाते हो और जो सेम गूगल असिस्टेंट के लिए जैसे एक्शन ऑन गूगल की लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे थे तो वही हमारा सही बैकएंड रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस ये लगा दो आप। अभी इनकी हम प्राइसिंग भी देख लेते हैं, मैंने काफ़ी पहले चेक किया था, तो अभी इनकी प्राइसिंग नई वाली जो है ना देख लेता हूँ लगे हाथों। यार प्राइसिंग किधर कर दिया उन्होंने, उनकी अपनी वेबसाइट में नहीं मिल रहा मुझे, गूगल से लाके ढूंढना पड़ रहा है बताओ। गूगल यार इतना काम का चीज़, इतना इंटेलिजेंट और काम काजू है। आज मैं कहीं पे मीम देख रहा था, ये कि मतलब मैं एक मिनट, मैं वो मीम ढूंढ ढूंढ के दिखाता हूँ क्योंकि मैं भूल चुका हूँ वो क्या था। शिट भाई, इन्होंने तो प्राइसिंग का पेज ही अपना उड़ा रखा है। ये इमेज मैंने भेजी है चेकआउट पर। प्लीज डोंट फोकस, प्लीज डोंट कंफ्यूज योर गूगल सर्च विथ माय मेडिकल डिग्री, लॉ डिग्री, जो भी कोई भी डिग्री। लेकिन अगर आप यू नो डेवलपर हो तो प्लीज डोंट कंफ्यूज योर गूगल सर्च विथ माय गूगल सर्च, क्योंकि गूगल इतना इम्पोर्टेंट है। काफी
काफी सही जा रहे हैं भाई। अबे क्या फ्री कर करके दिया क्या तूने? फ्री कर दिया लग रहा है। इस पे तो मैंने साइन अप किया हुआ है ना, साइन अभी जाऊंगा तो अंदर मुझे बोल देगा ये कि आपने पैसे नहीं दिए। हाँ है प्राइसिंग मिल गई मुझे। पेपर यूज है 0.3 सेंट्स पर एंगेजमेंट, या 1000 एंगेजमेंट्स के लिए $20 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ, या $65 फॉर 4000 एंगेजमेंट। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। ये रही भाई। अब दिखाई दे रही है प्राइसिंग? हाँ सही। अनलिमिटेड एंगेजमेंट कस्टम, काफी पैसे चार्ज कर रहे हैं यार ये, इतने ज्यादा नहीं करने चाहिए इनको। इनको इसका भी लेकिन ये होगा ना ऑल्टरनेटिव, कोई होगा ना बॉट कॉपी ऑल्टरनेटिव होगा ना। हाँ एक एक और भी है बॉट कॉपी का, वो जो है ना अल्टरनेटिव है, उसका भी नाम बड़ा अच्छा है। अच्छा इंटरकॉम भी लोग बड़ा यूज़ करते हैं, तो इंटरकॉम में भी ना आप चैट बॉट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अभी इसमें ऑप्शन अच्छा, आ गया। मैंने यूआई पाथ के बारे में भी सुना है और मेनू चैट। असल में करेंगे तो सभी ये सारे करेंगे, ये जेंडेक्स वाले भी करेंगे, ये जोहू वाले भी करेंगे, लेकिन इंटरकॉम हाँ। ने अभी जो है ना वो कर दिया है, उसमें एपीआई का वेबहुक मिल जाता है। स्क्रीन शेयर कर दी? हाँ मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सर एक्चुअली जी सर मुझे जरा एक जगह जाना पड़ रहा है, तो मैं अभी क्विट कर रहा हूँ, तो ये इसकी अपलोडिंग मिल जाएगी ना वीडियो? हाँ हाँ ये अपलोड कर दूंगा मैं। अच्छा तो सर मतलब आज फिर लास्ट है, इसके बाद फिर हमारी मुलाकात जी आज लास्ट है, और मैं आज की क्लास के आखिर में ना एक एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट भी आपको सबमिट करवाना होगा, फिर जैसे ही असाइनमेंट आप सबमिट करवा देंगे सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे। चलिए ठीक है। टाइम लिमिट ना रखिएगा, उसके लिए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में, क्योंकि पहले भी पुरानी क्लासें सारी देखनी है। मेरा ख्याल है एक महीना काफ़ी रहेगा, एक महीना अगर टाइम दे दूँ काफ़ी रहेगा। सर कोशिश कर लेंगे, लेकिन अगर एक्सटेंड करना पड़े तो कर दीजिएगा सर, एक रिक्वेस्ट है आप। चलें वेल अभी लेट्स स्टार्ट विद 1 मंथ। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत साथ किया क्लास में, आपने मानकर था बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई, इंशाल्लाह फिर आपका साथ रहेगा सर, इंशाल्लाह जदा कर लाँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार तो हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम फॉलो अप इंटेंट पढ़ना था राइट। अच्छा फॉलो अप इंटेंट का भाई सीन कुछ इस तरह का है कि ये जो हमारा ये एक्शंस ऑन गूगल है उसके अंदर भाई फॉलो अप इंटेंट भेजने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो पूरा वेबहुक है उसको वापस से हमें या तो हम जेसन कर लें, जेसन वाला तरीका कर लें, या तो हम वापस से डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की तरफ हम मूव करेंगे ना, तो वो हम पहले कर लेते हैं। अच्छा मैं ज़रा कोड अपना ओपन कर लेता हूँ।
अच्छा तो पहले तो हम क्या करते हैं, लास्ट जो हम चीज़ कर रहे थे ना उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, बुकिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वेबहुक को हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट वाले में हम कन्वर्ट कर लेंगे दोबारा से। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सीडी आप जाओ 05 डायलॉग फ्लो में, उसके बाद आप सीडी जाओ 3 एक्शंस ऑन गूगल वाले में, और एक्शंस ऑन गूगल वाले में जाके आप बोलो npm रन डेव, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप बोलो ngrok http 5001, ठीक है, मेरी स्क्रीन होपफुली नज़र आ रही होगी जी। अच्छा तो इसको हमने इसके अंदर करना क्या था, हमने इसमें करना ये था कि हमने ये ऑप्शन पकड़ लिया था इससे, और इस ऑप्शन वाले इंटेंट में फिर हमें बाकी के पैरामीटर्स लेने थे, ठीक है, क्योंकि इसके दो तरीके हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक तो तरीका ये होगा कि मैं फॉलो अप इंटेंट के ज़रिए वापस उसी इंटेंट में चला जाऊँ जहाँ से मैं आया हूँ, दूसरा तरीका ये हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो अभी जिस इंटेंट में हम आ चुके हैं इस इंटेंट में हम बाकी के पैरामीटर्स कलेक्ट कर लें, ठीक है, तो हम ये वाला तरीका कर लेते हैं कि इस इंटेंट में बाकी के पैरामीटर्स कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा और एक भी तरीका था वो कॉन्टेक्स्ट वाला, सही, वो कॉन्टेक्स्ट तो फिर लगाना पड़ेगा ना, जब हम इसी इंटेंट में ले रहे होंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट हमें लगा के रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये इंटेंट कहीं कभी और हिट ना हो जाए, तो वो हमें इसके साथ लगाना पड़ेगा। अच्छा तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट लगा लेते हैं, मैं गया बुकिंग रूम में। एक मिनट में आपको यहाँ पे जरा टोकूंगा, जी सो यू नो कौन से सिनारियो में कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए वो जरा थोड़ा ये कर देंगे एक्सप्लोर। अच्छा असल में मेरा जो लास्ट टाइम मकसद था ना फॉलो अप इंटेंट को यहाँ पे यूज़ करने का, वो मेरा मकसद ये था कि फॉलो अप इंटेंट सिखा दूँ मैं, ठीक है, मेरा ये मेन मकसद ये था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा, इस सिचुएशन में दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो अप इंटेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जो वो है क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट जो है सॉरी फॉलो अप इंटेंट और जो दूसरा जो जिस इंटेंट में जा चुके हैं वहाँ पे करें, तो दोनों ही सही है मेरा ख्याल है। जो अभी हम कर रहे हैं ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर है इस स्पेसिफिक केस के लिए, लेकिन कल मैं इस चीज़ को छोड़ के उसकी तरफ इसलिए जाना चाह रहा था, मैं चाहता था कि वो चीज़ सीख जाएँ, फॉलो अप इंटेंट सीख जाएँ। अच्छा फॉलो अप इंटेंट बाय द वे आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन वेबहुक के ज़रिए नहीं पढ़ा, याद है ये वाला बटन दबा के हम एक फॉलो अप इंटेंट बनाते थे, तो वो फॉलो अप इंटेंट असल में कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए ही बन रहा होता है ना, कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए ही वो बन रहा होता है, तो उसमें भी इस्तेमाल उसमें भी कॉन्टेक्स्ट ही होता है, लेकिन फ़ायदा उसमें ये होता है कि चूंकि डायलॉग फ्लो संभाल रहा होता है चीज़ें, तो हमें टेंशन नहीं रहती फिर, बट इसमें हमें चीज़ें मैनुअली करनी पड़ेंगी, तो मोर और लेस दोनों अप्रोच जो है वो काइंड ऑफ सेम है इंटरनली, इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है, बट इस वाले में मैनुअल हमें ज़्यादा करना पड़ेगा काम, लेकिन उसका उसका थोड़ा बिहेवियर हल्का अलग है कॉन्टेक्स्ट का मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो है ये पेरेंट इंटेंट है और फिर वो बेबी इंटेंट है उसका, और वो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ तो मतलब मुझे लॉजिक थोड़ा और मतलब दूसरे तरीके से सोचनी पड़ती है। नहीं नहीं है नहीं, नहीं मैं लेट मी क्लियर दैट, लेट मी क्लियर दैट, देखें अगर मैंने यहाँ पे कहा कि बुक रूम, राइट, बुक रूम मैंने कहा और इसमें मैंने कहा ऐड फॉलो अप इंटेंट और मैंने कहा यस नो या कस्टम, कस्टम में मैं कुछ भी लिखूंगा तो चलेगा, कि मतलब बुक रूम जब बात हो रही हो तो उसके बाद ही ये चले ये वाला काम ना, तो अभी हो रहा क्या है कि मैं बुक रूम से किस पे जा रहा हूँ, इसके एक दूसरा इंटेंट है उस पर जा रहा हूँ, बुक रूम से दूसरे इंटेंट पर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये जो जो चाइल्ड की तरह डिस्प्ले होके दिखना शुरू हो जाता है, दिस इज जस्ट अ डिस्प्ले स्ट्रेटजी ऑफ डायलॉग फ्लो, ये जस्ट उसको डिस्प्ले ऐसे कर रहा होता है, बट अभी मैं उसको करूँगा ना सेम काम करूँगा बट वो डिस्प्ले नहीं होगा उस तरह, ठीक है। मैं बुकिंग रूम में गया और यहाँ पे बल्कि ये लास्ट क्लास में हमने कर दिया था बुकिंग, यहाँ से एक आउटपुट निकला, ठीक है, जैसे ही कोई बुक रूम बोलेगा ना ये कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट हो जाएगा और अगले 5 कन्वर्जेशन तक ही एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। दोबारा मैं वापस गया, अब मुझे जो ये दूसरा वाला है इसके मुझे इनपुट में लगाना है ये वाला, ठीक है, बुकिंग इसके इनपुट में मुझे लगाना है बुकिंग, ये होटल क्या कर रहे हैं इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, बुकिंग इसको मैंने यहाँ पे लगाना है और मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब होना क्या चाहिए था असल में कि इसको इसके
अंडर में आ जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये इसके अंडर में आया नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बटन दबा के बनाऊँगा तो उसके अंडर में भी आ जाएगा ये, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसको हटा के ना बटन दबा के अंदर लेकर ही आ जाता हूँ, जस्ट टू विजुअलाइज इन अ बेटर वे। कस्टम मैंने कहा, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद देखें इसने एक उसको नाम दे दिया ऑटोमेटिकली। अच्छा, लेकिन इंटरनली हुआ हुआ क्या है, इंटरनली क्या है, बुक रूम फॉलो अप नाम इसका, सही, सही, बुक रूम फॉलो अप है, ठीक है, सही। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ मुझे देना भी पड़ेगा, इवेंट इसको दिया था ना, क्या दिया था हमने, ऑप्शन दिया था, ठीक है, चलेगा। अच्छा, इसको इंटेंट विद अ डिस्प्ले नेम कैरोसेल ऑप्शन, ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसमें ऑप्शन का एस डबल कर देता हूँ मैं, वो कह रहा है पहले से एग्जिस्ट है इस नाम का तो इसलिए नहीं बना सकते, तो मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा जाके पहले। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझे काम की है, बस सही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसको मैं अब कर दूंगा डिलीट। ठीक है, बुकिंग रूम कैरोसेल ऑप्शंस, इसका मैं ऐसा सिंगल कर देता हूँ, डबल जो किया था। अच्छा, इसमें नीचे मैं फुलफिलमेंट को इनेबल कर दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, और इनेबल वेबहुक फ्रॉम वेबहुक कॉल भी कर दूंगा, ताकि हर इनपुट पे ये मुझे लेकर जाए वहाँ पे, ठीक है। ये वाला भी मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ जस्ट इन केस। सो स्लॉट फिलिंग से क्या होगा, याद दिलाएं? ये स्लॉट फिलिंग से ये होगा, अभी वो सारे पैरामीटर्स भी मुझे यहाँ पर लाने हैं ना, क्योंकि सारे पैरामीटर तो मैंने बुक रूम में रखे हुए थे जो चार मेरे पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स को भी मुझे आधों फिर सारे जी, सिर्फ रूम टाइप यहाँ रह जाएगा, बाकी सारे उसमें मूव करवाने पड़ेंगे मुझे। अच्छा, ठीक है, तो अब मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं इसको ज़रा दूसरे टैब में खोलता हूँ, दो साइमल्टेनियस टैब, और मैं जल्दी जल्दी इसको ट्रांसफ़र करता हूँ एक से दूसरे वाले पर, ठीक है। एक में मैं ऑप्शंस खोल लेता हूँ, ठीक है भाई। अब जितने भी यूज़र से के मेरे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर रूम टाइप के अलावा ये पिंक वाला जो है, इसके अलावा जितने भी हैं, इन सबको मैं वहाँ पे मूव करवाऊँगा, ठीक है। वी आर टू पीपल, इसको मैंने कट किया, इसको मैं वहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है। टू को इसने पकड़ लिया खुद ही। अच्छा, आई वॉन्ट टू बुक होटल, ये तो डिस्प्ले वो वाला है, ये पिंक जो है रूम टाइप, इसके अलावा सारे हम यहाँ से कट करेंगे, कट, क्योंकि अब बाकी के पैरामीटर हम दूसरे उसमें इंटेंट में ले रहे हैं। अच्छा, थ्री नाइट्स कट, ठीक है। माई नेम इज़ मलिक तो हमने हटा ही दिया था, खैर इसको हटा देते हैं, यही था बस लगते। अच्छा, टोटल चार पैरामीटर्स थे जिसमें से एक नेम था, तो वो तो हमने हटा दिया था नेम, ठीक है। टोटल हमारे पास चार पैरामीटर्स थे जिसमें से एक नेम था, देख लेते हैं यहाँ पे भी एक बारी। रूम टाइप, नंबर ऑफ गेस्ट, चेक इन डेट, नंबर ऑफ नाइट्स, तो हमें ये तीन पैरामीटर्स यहाँ पे चाहिए, नंबर ऑफ गेस्ट और चेक इन डेट और नंबर ऑफ नाइट्स। अच्छा, वी आर कमिंग टू पीपल, वो कस्टम गेस्ट है, नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है, ये नंबर ऑफ गेस्ट मुझे मिल गया, उसके बाद चेक इन डेट ये मुझे मिल गया, डेट एंड टाइम, और अब नंबर थ्री, ये जो आई एम फॉर थ्री नाइट्स वाला जो है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरा नंबर ऑफ नाइट्स, ठीक है। अच्छा, ये नंबर ऑफ गेस्ट भी इंटीजर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट भी मेरा इंटीजर, रिक्वायर्ड है, तीनों रिक्वायर्ड रहेंगे ऑफकोर्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, सारे जो पैरामीटर्स थे यहाँ से उठा के मैं वहाँ लेकर चला गया। अच्छा, उसके प्रॉम्प्ट्स उड़ गए होंगे। हाँ, प्रॉम्प्ट्स उसके उड़ गए हैं ऑफकोर्स। अच्छा, इन प्रॉम्प्ट्स की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी अब तो फुलफिलमेंट में वेबहुक से करवाता हूँ, राइट, तो मुझे प्रॉम्प्ट डिफाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉम्प्ट अगर हम नहीं डिफाइन करते ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, बोलता है व्हाट इज़ और नंबर ऑफ गेस्ट, ऐसे करके बोल देता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में आएगा अगर मेरा वेबहुक फेल हो जाता है, अगर मेरा वेबहुक फेल नहीं होता तो जब वेबहुक से भेजा है वही आता रहेगा।
अच्छा, अच्छा, और मतलब वो यहाँ एसेंशियली नेम लेगा, जो एंटर नेम में हमने नाम लिखा है वो बोलेगा व्हाट इज। ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स भी उस सूरत में आएगा जब मेरा वेबुक फेल हो जाएगा। मेरा वेबुक सही। फेल नहीं होता तो फिर ये मसला नहीं है। अच्छा, बुकिंग कैरोसॉल, ठीक है जी। अब हम ये सारी जो लॉजिक थी हमारी रूम टाइप को छोड़कर, यार हमने लास्ट क्लास में, अच्छा रूम टाइप का ये बंद हुआ है ना, मैं वही बोल रहा हूँ इसमें से कैरोसोल कहाँ चला गया। हाँ बाकी का जो है ना ये वाला, ये मैं यहाँ से कट करके अब ये भी सारा अगले पे लेके चला जाऊँगा मैं। ठीक है, और ये इफ़ रूम टाइप अभी ये भी मैटर नहीं करता क्योंकि अब ये एक ही है अकेला, तो मेरे ख्याल है ये इफ़ भी हमें हटा देना चाहिए क्योंकि अब यही एक ही इसका फ्लो है। तो जब भी कोई बोलेगा बुक अ रूम तो हम उसको बोलेंगे प्लीज़ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ रूम एंड दैट्स ऑल एंड सही। देन वी कम हेयर। अच्छा, अब ये सारे जो कम हेयर वाले हैं ना वो हमारे सारे जो इफ़ वाले थे वो सारे मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे इफ वाले मेरे पास यहाँ पे आ गए। अच्छा, सही। ये जो ये वाली जो चीज़ है कि बंदे ने रूम कौन सा सेलेक्ट करा है, ये मैंने सेशन स्टोरेज में भी सेव करवा दिया था कि जो भी सेलेक्टेड ऑप्शन है उसको सेशन स्टोरेज में सेव कर दो। ठीक है, क्योंकि वो अगले स्टेप में आई एम नॉट श्योर कि ये रहेगा या जा चुका होगा, क्योंकि फॉरेन इस इंटेंट में आया तो ये मुझे डेटा दिया है। वेल, मैंने उसको अभी स्टोरेज में सेव करवा दिया है जस्ट इन केस। अभी वैसे देख भी लेंगे कि ये रहता है या चला जाता है, होपफुली नहीं रहेगा, चला जाएगा ये जो ये वाला रूम टाइप का जो सिलेक्शन है। अच्छा, ये रूम टाइप की सिलेक्शन हो गई मेरी, उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ गेस्ट अगर नहीं है तो ये वाला सवाल पूछो कि भाई कितने बंदे स्टे हैं। चेक इन डेट अगर नहीं है तो ये वाला, अच्छा ये मैंने सेपरेट भी वो ऊपर किया हुआ था तो वो भी मुझे यहाँ लाना पड़ेगा आधे को। सही है, ये सारी चीज़ें भी क्या करनी पड़ेंगी मुझे, कट करके यहाँ पे से कट करके उधर लेके जानी पड़ेगी। सही, क्योंकि इस इंटेंट के अंदर मैंने ये चीज़ें सेपरेट नहीं की हुई हैं। ठीक है, सही। इसमें चार पैरामीटर थे, तीन यहाँ पर आ गए एक वहाँ रह गया, तीनों को मैंने कॉन्सोल करवा लिया और इन्हीं तीनों पे ही अब ये इफ़ के कंडीशंस भी लग गई हैं। सही। अच्छा, अब जो डेटाबेस में हम राइट करेंगे वो इस पॉइंट पे कर रहे होंगे। अच्छा, डेटाबेस में राइट करते हुए तीन पैरामीटर तो मुझे सीधे सीधे मिलेंगे, जो चौथा वाला पैरामीटर है वो मुझे देखना होगा कि वो सेशन से उठाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि सेशन में मैंने सेव कर लिया एहतियातन। ठीक है, या मुझे जो है वो ये जो जो ये जो ऑप्शंस है इसी में से डायरेक्ट हर पूरे आखिर तक मुझे मिल रहा है। सही है, सही। अच्छा इसको अब हम देखते हैं चला के। ये जैसे ही हमारा चल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको वापस चलते हैं हम डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट वाले की तरफ। सही। ये यहाँ इस पॉइंट पे मैं बस ये याद दिलाऊंगा कि ये हमें करना है कि डेटाबेस से ये कैसे चेक करेंगे हम कि मेरे पास वो चीज है या नहीं, और फिर जवाब देना है मुझे, मतलब मेरे पास वो रूम अवेलेबल है या नहीं, और फिर उस हिसाब से मुझे जवाब देना है। सही। अच्छा, मैं आ चुका हूँ दोबारा से अपने पास डायलॉग फ्लो पर, और इसको तो मैंने सेव करवा दिया था। अब इसको हम चलते हैं इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन और टेस्ट। अच्छा, हमने वेलकम वाला जो मैसेज है ना वो भी सही नहीं किया था, लगे हाथों उसको भी ना हम सही कर लेते हैं। सही है, हाय इंजमाम मलिक, आई एम योर होटल बुकिंग असिस्टेंट। अच्छा, ये कर दिया था, सही है हमने। हाउ मे आई हेल्प यू, हेयर इज़ योर पिक्चर। अब ये हेयर इज़ योर पिक्चर को मैं कॉमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हर दफ़ा पिक्चर दिखा रहा है ना, कोई मुनासिब नहीं लग रही चीज़। सही। अच्छा, इस हाई के अंदर ना इसको SSML भी दे सकता हूँ मैं पूरा, ये भी अभी मुझे याद आ गया तो मैंने कहा अभी कवर कर लें हम इस चीज़ को भी। इसमें हम SSML भी दे सकते हैं कि मैं इसको बोलूँगा कि भाई
स्पीक का टैग, और स्पीक का टैग क्लोज, उसके बाद होगा एक सेंटेंस, ठीक है, हाय, जस्ट इसको मैं एक सेंटेंस के तौर पे लिख रहा हूँ हाय को, वैसे तो सेंटेंस नहीं है हाय, सेंटेंस यहाँ पे क्लोज। अच्छा भाई, अच्छा हाय इंजमाम, ये ऐसे होगा ना, एक सेंटेंस पूरा कट, सही है, एक सेंटेंस ये ऊपर हो गया, आई एम योर होटल बुकिंग असिस्टेंट, और होटल बुकिंग असिस्टेंट के बाद मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। और इसमें ब्रेक में क्या क्या वो लगाते हैं हम साथ में, मिली सेकंड लगाते हैं कुछ, हाँ वो वीक और पता नहीं क्या होता है ना, वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो वो ब्रेक जस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए कि अच्छा यार ये भी लग जाता है। ब्रेक हमारा ये 3 सेकंड करके इसने दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 सेकंड की जगह हम इसको क्या देते हैं, 2 सेकंड, सेकंड हग रहे हैं वो हम, 2 सेकंड बहुत लंबा हो जाएगा, उसको मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड या 50 मिली सेकंड सही वो है। फील नहीं होगा ना फिर, मैं इसलिए लिख रहा हूँ अभी हम अगले में हटा देंगे, अगले रिस्पांस में हटा देंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई ये लग चुका है, कर रहा है काम यहाँ पे, ठीक है। एक ऑडियो भी इसमें रख देते हैं, ये जस्ट एक MP3 फाइल है, वो जस्टिन की अगर आवाज लगा दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैंने एक ऑडियो फाइल भी रख दी है, ऐसे चिड़िंग पड़िंग कुछ है, अरे नहीं ये तो example.mp3 है यार, हमें इसके लिए कोई एम एस के लिए कोई फाइल पकड़नी पड़ेगी, छोड़ो अभी इसको नहीं लगाते, ये आप लोग खुद लगा कर देखना, वैसे इसमें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें इसमें प्ले पॉज कैसे होता अच्छा ये SSML वाले में प्ले पॉज नहीं होगा, लेकिन वो रिच रिस्पॉन्स अगर आपने भेजा है ना ऑडियो वाला, उसमें हो जाता है, है मीडिया वाला, प्ले पॉज, मीडिया हाँ मीडिया रिस्पॉन्स। वाला जो है, मीडिया वाला फिर वो आप गूगल से डायरेक्ट बोलोगे हे गूगल प्ले, हे गूगल पॉज, ऐसे करके अच्छा बोलोगे। तो मतलब उसमें Nothing's playing right now. स्टॉप, तो उसमें ये नहीं होता वो क्या The lights off. क्या उसका नाम उसमें All right, getting the test version of hotel booking. Hi, how are you doing? सॉरी, हाँ क्या बोल रहे थे आप, कंप्लीट कीजिएगा। उसमें अलेक्सा की तरह वो प्ले और पॉज के इंटेंट अलग से हमें बनाने नहीं पड़ते, वो खुद नहीं, ब खुद नहीं बन उसमें अलग से जाता नहीं बनाने पड़ते, इस वाले में ना वो अपना बिल्ट इन कर रहा होता है खुद ही। है। सही 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 सर, जैसे हमने पॉज बोला उसको तो ये वहीं से कंटिन्यू करेगा, लेकिन हाँ पॉज करोगे तो वहीं से कंटिन्यू करेगा दोबारा, जब जब आप बोलोगे ना प्ले जैसे तो वहीं से कंटिन्यू करेगा। अलेक्सा में लेकिन थोड़ा अलग था। असल में एलेक्सा जो है ना वो गानों को सॉन्ग्स को वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर रहा होता है बैक एंड पे ना। अभी जैसे मैं गूगल असिस्टेंट की बात करूँ तो गूगल असिस्टेंट में जैसे साउंड क्लाउड वगैरह हैं, ये इनकी ना इनकी इतनी अच्छी इंटीग्रेशन है, पहले से ये इंस्टॉल है कुछ कुछ पार्ट उसका ना उसके अंदर, तो अगर मैं जैसे साउंड क्लाउड पर कोई सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ तो जब उसको मैं पॉज करता हूँ और मैं इवन उसको अगले दिन भी बोलता हूँ ना प्ले, तो वो वहीं से प्ले करता है, वो उसको वो नहीं करता, छोड़ता नहीं है, ठीक है। या मैं अगर उसको साउंड क्लाउड प्ले कर रहा हूँ मैं उसको वैसे ही बोलूँ कि यार प्ले अ सॉन्ग, तो वो फिर या तो स्पॉटिफाई पे प्ले करता है या तो साउंड क्लाउड पे प्ले करता है, ठीक है, वो ऐसे डायरेक्ट प्ले नहीं करता। अब इसी तरीके से जो ये हमारी ऐप है ये भी इट इज़ गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड इन द गूगल असिस्टेंट डिवाइस ना, तो जब राइट एक बार जब आप यूज़ करते हो तो वो उसको इंस्टॉल कर लेता है। तो इसमें फिर होता क्या है कि जब आप उससे ऑडियो बोलते हो कि यार प्ले द ऑडियो, या कोई भी ऐसी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अगेंस्ट आप मीडिया रिस्पॉन्स भेजते हो, तो क्या होता है वो आपके फ़ोन में भी दिखना शुरू हो जाता है ना। या जैसे अगर मैं इसको बोलूँ अभी गूगल असिस्टेंट को, तो आप देखेंगे यहाँ फ़ोन में भी ना दिखना शुरू हो जाता है कि वो प्ले हो रहा है, मैं यहाँ से क्लिक करके भी पॉज कर सकता हूँ, हे गूगल प्ले आतिफ असलम ऑन स्पॉटिफाई। Got it. Here's the Spotify playlist called This Is Autumn Baslin. अच्छा ये अगर मैं आपको दिखा सकूं अपनी स्क्रीन, अच्छा मुझे ये हटाना पड़ेगा इसका, तो ये ना मेरे फ़ोन में देखें प्ले का पूरा बना हुआ आ गया। अच्छा ये कहाँ पर आया अच्छा। है ये आया है ये जो ऐप है ना गूगल होम की, ये वाली,
इस ऐप के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं सारी शो हो रही होती हैं, तो इसमें मेरा टीवी शो हो रहा है और ये टीवी शो हो रहा है और ये मेरी ये गूगल असिस्टेंट की डिवाइस शो हो रही है। तो मैं यहाँ जब गया तो ये पूरा मुझे अंदर दिख रहा होता है। तो जब आपका भी रिस्पांस आएगा ना यहाँ पे तो इसी तरह दिख रहा होगा। और मैं यहाँ से इसको पॉज कर दूंगा तो ये पॉज हो गया ना अभी, ये कल परसों तरसों जब भी बोलूंगा यहीं से चलेगा। शर्त ये कि वो पावर फेलियर वगैरह बीच में ना हो, क्योंकि वो लाइट जाती है तो ये फिर सब भूल जाता है। ठीक है, वेल मैं इसको दोबारा प्ले करूँगा, दोबारा प्ले हो गया। ये वॉल्यूम कंट्रोल है, सॉरी ये वॉल्यूम कंट्रोल, ये गोल वाला है। ये सीक है इसका, ये सीक मुझे शो कर रहा है। अच्छा, सीक भी मिलता है आपको। अच्छा, और यहाँ से मैं स्टॉप करूंगा तो ये स्टॉप भी हो जाएगा, छोटा सा बटन है। अच्छा, वेल मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ स्टॉप। ये ना इससे याद आया कि मैंने अपवर्क वगैरह पे ना और लाइक मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि लोग पॉडकास्ट के ये बनाते हैं, लाइक यू नो चैटबॉट्स बनाते हैं। ये बात नहीं समझ आई, क्योंकि ये पता नहीं ये कैसे करते हैं पॉडकास्ट का चैटबॉट। जस्ट ये जैसे अभी हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस है, जुनेद अकरम है, बड़ा फेमस है यहाँ पे पॉडकास्ट में। पाकिस्तान में लोग क्योंकि पॉडकास्ट नहीं सुनते ना, ये सही। वो उसने क्या किया, यूट्यूब का चैनल बनाया, अभी वो पॉडकास्ट करता है, तो वो उसके पॉडकास्ट का नाम यही है, जुनेद अकरम पॉडकास्ट। तो अभी आप क्या करते हो, वो यूट्यूब पे भी डालता है, इस गूगल के पॉडकास्ट पे भी और एप्पल के पॉडकास्ट पे भी, सब पे डालता है, स्पॉटिफाई पे भी। हाँ, अभी आप जाके बोलोगे गूगल असिस्टेंट से कि टॉक टू जुनेद अकरम, ठीक है। अभी टॉक टू जुनेद अकरम जैसे ही आप बोलोगे ना, तो वो क्या करेगा, एक मीडिया रिस्पांस आपको भेजेगा वेलकम इंटेंट में, वो चलना अच्छा। शुरू हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से एक लाइव स्ट्रीम का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप मीडिया भेजते हैं ना, उसमें MP3 की जगह आप RSTP, पता नहीं क्या होता है वो, लाइव स्ट्रीम का RMTP, तो वो एक दो तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं, तो वो लाइव स्ट्रीम के भी आप उसमें ना लिंक्स लगा सकते हैं। तो रेडियो की बहुत लोग बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर बोलूँगा हे ओपन FM 107, अलेक्सा में ये लोग कर रहे हैं। अलेक्सा के अंदर ना टेम्पलेट्स में आप देखिएगा एक रेडियो का भी एक आ रहा होता है, तो उस रेडियो वाले में आप लाइव ब्रॉडकास्ट का URL पेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे ही मैं बोलूँगा ना ओपन FM 107, तो वो FM 107 की ऐप आएगी और वो डायरेक्ट वो प्ले करना शुरू कर देती है। अच्छा, जैसे अभी मैं इसको बोलूँगा ना अगर टॉक टू BBC, तो आप देखिएगा वो डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। हे गूगल, टॉक टू BBC। अच्छा, इसका मैंने साउंड बहुत ही कम कर दिया। कोई नहीं, मेरे यहाँ पे आपकी वॉइस मेरा भी रिकॉग्नाइज करता है। मैं इसका, अच्छा ये अभी तक वही चला रहा है। हे गूगल, टॉक टू BBC। अच्छा, इसने वो BBC की शायद ऐप इसमें है नहीं। हे गूगल, टॉक टू CNBC। मेरे यहाँ पे चलना शुरू हो गया। अच्छा, इसने सुना ही नहीं बेवकूफ ने। हाँ नहीं, इसने सुन लिया, लेकिन CNBC US में है सिर्फ, कनाडा में नहीं है, तो उसने बताया not supported in my region। लेकिन I understand, मैं ये मोबाइल पे करता हूँ ना ट्राई, अब मैं मोबाइल पे इसको अगर बोलूँ how will we talk to CNBC, तो ये डायरेक्ट चलना शुरू हो जाता है। Sorry, CNBC isn't supported in this region। अबे यार, मेरे पास भी इसने यही बोल दिया। कोई नहीं, लेकिन हम अभी ये मतलब हाउ विल वी लाइक पावर दिस, लाइक हम ये बनाएंगे कैसे, हम बनाने के लिए। अच्छा, मैंने जो एप्स बनाई है ना ये वाली, उसमें तो मुझे लाइव वो स्ट्रीम का URL क्लाइंट देता है, वो लगा के बस बना के दे देते हैं। अब वो लाइव स्ट्रीम का या तो URL हो, ठीक है, या तो एक MP3 URL हो आपके पास। हाँ, पॉडकास्ट वाला जो है ना उसमें, बल्कि जो आप जो बना रहे थे वो भी तो पॉडकास्ट की ऐप है काइंड ऑफ, नहीं स्टोरी टेलर कौन सी, वो जो स्टोरी टेलर वाली। मतलब लेकिन अब मैं स्पेसिफिक कोई कहानी मांग रहा हूँ या रैंडम उसको लेके आने के लिए कह रहा हूँ, ये जो होगा
अच्छा मतलब इसको भी किसी डेटाबेस में रखा हुआ होगा और इसेंशियली जो लेटेस्ट होगी वो लेके आ जाएगा, ये हो रहा होगा। हाँ, जो पॉडकास्ट की ऐप होती है उसमें ये होता है कि वो जो सबसे लास्ट वाले एपिसोड होता है ना वो प्ले हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर आप बोलते अच्छा। हो ना कि वो नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हो आप तो फिर अगला आता है। अच्छा। यानी वो पूरी एक लिस्ट भेजता है, जैसे अलेक्सा में भी आपने मतलब, देखा मतलब स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट ही मैं भेज सकता हूँ इसेंशियली। स्पॉटिफाई में अगर वो यूआरएल देता है नहीं देता डायरेक्ट प्ले करने वाला, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो शायद देता होगा, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा अभी ऑब्वियसली। लेकिन ये स्पॉटिफाई वगैरह ना ये पॉडकास्ट तो है इनका तो हाँ, लेकिन दे ट्राई टू ब्रिंग यू इनटू देयर ओन लाइक इकोसिस्टम, तो सही कह रहे हैं। हाँ नहीं एक्चुअली वो अभी मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये जो पॉडकास्ट होते हैं ना ये एक प्रोटोकॉल होता है आरएसएस, उस पे चलते हैं ये। तो वो आरएसएस में अभी ये मैंने ये देखा नहीं है, मेरे जहन में अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि उसके अंदर वो यूआरएल होता है या क्या होता है। वो आरएसएस का फीड होता है ना, आरएसएस फीड का मतलब कोई एड्रेस ही होता है आरएसएस फीड का भी। क्योंकि अभी जैसे आपको गूगल पॉडकास्ट पे अगर कोई चीज़ अपलोड करनी है या आपको एप्पल पॉडकास्ट पे अपलोड करनी है तो आप एक्चुअली फाइल एप्पल पॉडकास्ट पे जाके नहीं अपलोड करते, वहाँ ऑप्शन ही नहीं होता अपलोड करने का। तो इनके ना अलग अलग से प्लेटफॉर्म्स लोगों ने बनाए हुए हैं, आप वहाँ अपलोड करते हो, वो होस्टिंग सर्विस होती है आपकी। कुछ लोग अपने कंप्यूटर में भी होस्ट करते हैं, घर पे सर्वर रखा होता है उधर होस्ट कर देते हैं। तो अभी वो एंकर है, एंकर से एंकर हाँ एंकर बड़ा फेमस है इनमें, उस पर लोग अपलोड करते हैं। तो वहाँ स्पॉटिफाई ने खरीद लिया ना उसको, किसने, स्पॉटिफाई ने एंकर को खरीद लिया। अच्छा हाँ ये तो सही किया फिर उसने, उसने बोला डिपेंडेंसी है इसके ऊपर उठाओ इसको। एक्सट्रीम, क्योंकि लाइक गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई सब जगह पे एक जगह से आप डिप्लॉय कर सकते हो, वो है एंकर। सो उन्होंने वॉश काम किया हुआ, सो एसेंशियली मतलब एंकर की लिंक, जो एंकर लिंक देगा आरएसएस के फीड की, वो वाली लिंक अगर लगा देंगे तो शायद प्ले होगा, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे असल में एंकर ना कुछ खास काम कर नहीं रहा, वो एंकर जस्ट एक होस्टिंग कर रहा है उस फाइल की जो आप देते हो ना उसको, उस फाइल को वो होस्ट कर देता है और उसका वो जो HTTP लिंक बनाने के बजाय वो उसका RSS लिंक बना के दे देता है। तो काम ये कोई भी कर सकता है। यानी एंकर के अलावा भी बहुत सारे हैं जो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉटिफाई खुद भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना सकता था कि भाई यहाँ होस्ट करो, यहाँ से लिंक मिल जाएगा, पेड हैं सारे जो एंकर, तो बल्कि शायद फ्री है वो पेड नहीं। वेल वो एडवर्टाइजमेंट उस पर होती है, तो मेरा ये ख्याल है उसको इसलिए ख़रीदा है उसने कि ऑलरेडी लोग एक तो फेमिलियर हैं, लोगों के जहनों में एक नाम मौजूद है, और दूसरा ये कि ट्रैफिक सारी उसके ऊपर है। मतलब असूलन तो होता ही है ना कि यार एप्पल पॉडकास्ट पे जाके अपलोड करते हैं या स्पॉटिफाई पे आके अपलोड करते हैं, तो वो ट्रैफिक सारी उसके ऊपर है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस एक अरसे से चला रहे हैं, वो अच्छा हो गया। तो इन्होंने बोला भाई बजाय इसके ना कि हम अपना बनाएं, मार्केट करेंगे उसको, जोर लगाएंगे कि कस्टमर को एंकर से खींच के लाएं, फ्री दे रहा है वो, क्यों आएंगे लोग वापस। Exactly. तो इसलिए उन्होंने खरीद लिया होगा आई गेस। सही, लेकिन मतलब एसेंशियली वो एक मतलब ये लाइव स्ट्रीम का कोई यूआरएल होगा या फिर आरएसएस फीड का कोई यूआरएल होगा या लाइक ऑडियो फाइल की प्लेलिस्ट की कोई यूआरएल होगा, एंड देन दैट विल देन लाइक वेबहुक वो ले उठा के ले आएगा और वहां से प्ले होगा टॉक टू इंटेंट पे ही, इमीडिएटली टॉक टू इंटेंट पे ही ना, वेलकम इंटेंट पे ही इसे। एग्जैक्टली सही, ओके दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, सॉरी फॉर द टैंजेंट। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ इसीलिए हूँ कि मैं के सवालात को एंटरटेन कर सकूँ। क्योंकि देखो यार सवालात की जहाँ तक बात है ना, अभी जैसे ये आपने बातें पूछी, अब मुझे बहुत चीज़ें पता हैं इस तरह की, बट वो जाहिर है मैं निकले ही कैसे मेरे अंदर से, वो उसके लिए सवाल पूछना पड़ेगा। तो सवाल ऑलवेज हेल्प्स, मुझे भी हेल्प आउट होता है चीज़ें बताने में, ठीक है। जो पूछ रहा है जाहिर है उसको तो डेफिनेटली हेल्प आउट हो रहा है। बाद में फिर जो लोग देखेंगे ना तो उनके लिए भी, यानी क्लास में मौजूद दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है कि चीज़ें निकल के सामने आती हैं। वेल तो ये मैंने टॉक टू कर दिया और मैंने कहा बुक रूम, अच्छा टॉक टू दोबारा करना पड़ेगा इसको,
भूल गया बेचारा ये। अच्छा इसको मैंने म्यूट कर दिया इसलिए बोल नहीं रहा। अच्छा मैंने कहा बुक, अरे म्यूट क्यों कर दिया, मैंने SSML लगाया था ना इस पर तो कैंसिल करके दोबारा करता है। सही। All right, let's get the test version of hotel booking. Greetings, how can I assist? अच्छा ये कुछ मुख्तलिफ रिस्पॉन्स ला रहा है, ये तो नहीं लगाया था मैंने। ओ ओके गॉट इट। ये पता है क्यों आ रहा है, मैंने फुलफिलमेंट का URL अपडेट नहीं किया यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो वो क्या कर रहा है, फॉल बैक वाला लेकर आ जा रहा है। और ये जाके ना मैं अपडेट कर दिया मैंने, आप चेक करते हैं। तू ही जिंद जानिया। Okay, here's the test version of hotel booking. Less than speak greater than less than s greater than hi insamam malik. Less than s greater than less than s greater than I am your hotel booking assistant. Less than break time equals ones greater than. How can I help you? Less than s greater than less than speak greater than. मैंने इसमें कोई गड़बड़ की है, वो यहाँ से देख लेते हैं। इस जगह पे ना एक स्पीच का इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। Hi Insamam Malik, I am your hotel booking assistant. Dot, how can I help you? अच्छा, मैंने भी तो यही लगाया। इसमें फर्क क्या है दोनों? वो ब्रेक के बाद वाला जो फुल स्टॉप है वो हटा देना। नहीं ये उसके साथ ही मैंने दिया है यहाँ पे भी। नहीं नहीं ब्रेक वो तो वो बस एक फॉल्स है, बाकी कुछ नहीं है। इसको कोई टर्न ऑन शर्न ऑन करना पड़ता है क्या SSML के लिए? टॉगल है? नहीं नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स ही चलता है। आउट ऑफ द बॉक्स ही चलता है, डायरेक्ट ही चलता है ये। डायलॉग फ्लो कन्वर्सेशन करके इसका ये है ना इंटरफेस। इसका जो एक सिंपल रिस्पॉन्स है ना वो हम लगा देते हैं। तो वो मतलब ये शॉर्टकट है जो ये डायरेक्ट करके दे रहे होते हैं। मे बी ये शॉर्टकट इज़ नॉट वर्किंग गुड दीज डेज। यहाँ पे से ना हम सिंपल रिस्पॉन्स इसका उठा लेते हैं, वो हम कल डॉक्यूमेंट में भी देख रहे थे सिंपल रिस्पॉन्स ना। तो यहाँ पे हम सिंपल रिस्पॉन्स लगा देते हैं। अच्छा सो सिंपल रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर दिया। सिंपल रिस्पॉन्स में टेक्स्ट और SSML दोनों उसके अंदर ऑप्शन आ रहा होता है लिखने का। सिंपल रिस्पॉन्स था या सिंपल रिस्पॉन्सेस था? न्यू होगा इसमें, न्यू सिंपल रिस्पॉन्स। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। भाई किस बात का लोडिंग था ये रहा। ऑप्शन स्ट्रिंग सिंपल रिस्पॉन्स ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन बता दिया इसको, ठीक है। अब मेरे ख्याल ये स्पीच है और साथ में SSML है इसके, ठीक है। सही है, सिंपल रिस्पॉन्स का ये डॉक्यूमेंट भी खोल लिया मैंने। अच्छा न्यू सिंपल, यहाँ पे स्पीच और टेक्स्ट करके ऐसे इन्होंने दिया हुआ है, स्पीच और टेक्स्ट। और ये डॉट ऐड क्या है, कॉन्वर्सेशन डॉट ऐड? ये ऐड वाला तब नहीं देखा क्योंकि आज देखा और नहीं नहीं असल में ये जो है ना मैं आ गया हूँ दूसरे वाले डॉक में ना, ये कन्वर्सेशनल वाला नहीं है, ये SDK वाला है। तो
तो उसकी लाइब्रेरी अलग है थोड़ी, मतलब एक्शन ऑन गूगल ही है लेकिन वो लिखने का तरीका उसको अलग है, जो एस डी के वाला तरीका है। अच्छा। तो मैं उसमें एक्चुअली खड़ा हूँ। कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट सिंपल नॉट यस। नहीं ये ये तो action, मैं कन्वर्सेशनल नहीं, एक्शन बिल्डर का लग रहा है ये। ये वो एक्शंस ऑन गूगल का लग रहा है वो, है ना? हाँ यार, वो लास्ट जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा था ना, वो उसके अंदर ये पूरा डिफाइन हुआ हुआ था। स्पीच और टेक्स्ट, हाँ यार है तो स्पीच और टेक्स्ट इसी तरह। अच्छा स्पीच और टेक्स्ट है तो मतलब स्पीच जो है वो एसएसएमएल है। अच्छा अच्छा ये मैंने कैसे देखा भला? ये मैंने ऐसे देखा कि इसके ऊपर मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो मुझे इसके अंदर ले गया ये टाइपिंग्स में, और यहाँ से मैं गया तो मुझे ये स्पीच और टेक्स्ट दिख गया कि इसको दो इनपुट चाहिए, स्पीच और टेक्स्ट। सही 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 है भाई। अच्छा न्यू सिंपल करके भी शायद इन्होंने कुछ ऐड किया है, सिर्फ सिंपल, बट वो यहाँ शो नहीं हो रहा सिर्फ सिंपल वाला। खैर छोड़ देते हैं उसको, वो सिंपल वाला एक्शन एसडीके से नहीं आ रहा है। एसडीके वाला मुझे लग रहा है, वो भी यही लग रहा है मुझे। वो नहीं, वो एसडीके वाला नहीं है, वो एक्शंस ऑन गूगल वाला है, वो एक्शंस ऑन गूगल के लाइब्रेरी से है। नहीं हम एक्शंस ऑन गूगल ही तो यूज कर रहे हैं ये तो ना। अच्छा हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये एक्शंस ऑन गूगल ही तो क्या पता। वेल अभी हमने शॉर्टकट को छोड़ के पूरा सिंपल रिस्पॉन्स बना दिया है, अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट है उसकी। Okay, let's get the test version of hotel booking. Hello, how can I help you? अच्छा मेरा वेबहुक क्रैश कर गया इस बारी। क्रैश क्यों हुआ भला? टाइप एरर, इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, ये मिटाया नहीं था मैंने, इसलिए एरर दे रही है। कुछ एक्स्ट्रा कोड वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, अभी भी कुछ उसको प्रॉब्लम है। एक मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ, ये एक्स्ट्रा कोड मैंने यहाँ छोड़ा हुआ था ना, अब क्या मसला है? यहाँ पे एक गोल ब्रैकेट और लगनी थी। वेल सही है, गोल ब्रैकेट भी एक मिसिंग थी यहाँ पे, अभी ये सही हो गया। नीचे कुछ कोड मैंने छोड़ दिया था जिसकी वजह से मेरा सर्वर क्रैश कर रहा था। वेलकम टू द गूगल असिस्टेंट डायलॉग फ्लो वेबहुक। सर इसमें वॉइस चेंज कर सकते हैं जैसे हमने अलेक्सा में जस्टिन और इस? हाँ हाँ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमजा एसएसएमएल की वो सारी चीजें चलेंगी जो यू नो डॉक में लिखी होगी। सही है। अब जस्टिन जो थी वो मेरे ख्याल से अमेज़न पॉली का साउंड था, सही है? तो अब इस पे क्या है वो देखना पड़ेगा इसका। हाँ ये आपने सही कहा ऑफ कोर्स कि वो साउंड जो एलेक्सा वाले सारे इसमें शायद अवेलेबल ना हो। वेल इसके अपने हैं कुछ। वो जरा डॉक्यूमेंटेशन बस दिखा दीजिए कि जहाँ पे है वो। अभी दिखा देता हूँ। अच्छा ये मैंने लिख लिया, ओके कर लिया, अब ये ब्रेक चलना चाहिए। ये
ये आ गया भाई हमारा less than speak greater than s greater than high insamam malik less than s greater than I am your hotel booking assistant less than break time equals ones greater than how can I help you less than speak greater than क्या हो गया इसको पागल पागल हो गया वेल ये मैं डॉक्यूमेंट ज़रा दिखा दूँ फिर मैं अपने किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट में चेक कर लेता हूँ ये मैंने किया कैसे था मतलब लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने कैसे किया हुआ अच्छा यहाँ पे जो था ना हमारे पास से एज में होगा आई थिंक नो यहाँ पे वॉइस नीचे सपोर्टेड वॉइस लास्ट में ड्यूरेशंस के नीचे वॉइस है हाँ सही कहा आपने वहाँ पे भी आ रहा था वॉइसेस अच्छा भाई ये वॉइसेस आ गया लैंग्वेज एफ आर जेंडर फीमेल और अच्छा नेम जो है वो वेवनेट के ये है सो सपोर्टेड वॉइसेस में जाके ये सारा नाम देखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से वाले नाम अवेलेबल हैं वॉइस माई स्ला चैट एक्स्ट्रा अच्छा ये तो लैंग्वेज भी दूसरा किया हुआ है ना इसने हाँ ये फ्रेंच है कैनेडियन फ्रेंच जेंडर वेरिएंट और लैंग्वेज तीन हमें देने पड़ेंगे तो वेरिएंट में मल्टीपल जो वॉइसेस अवेलेबल हैं सपोर्टेड में वहाँ से हमें जाके निकालना पड़ेगा अच्छा इसमें हर लैंग्वेज की वॉइसेस अलग अलग हैं तो मैं इसमें से इंग्लिश को कैसे कर सकता हूँ सेपरेट अब भाई ये आ गया इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन विद क्लाउड मशीन लर्निंग योर एप्लीकेशन इंटरप्रेट्स इमेजेस टेक्स्ट एंड मोर अच्छा ये कुछ मजे का नहीं था स्टैंडर्ड यूएस फीमेल विद क्लाउड मशीन लर्निंग योर एप्लीकेशन इंटरप्रेट्स इमेजेस टेक्स्ट्स एंड सो मच मोर अच्छा स्टैंडर्ड यूएस में मेल एक है फीमेल एक है और फिर स्टैंडर्ड ई एक है फिर स्टैंडर्ड ए कौन सा है ए को चेक करते हैं With cloud machine learning, your application interprets images, texts, and so much more. सही है इसमें A से लेके ना E A B C D E F ऐसे G H करके ऐसे चार पांच हैं. और ये तो standard है हम WaveNet वाली check करें WaveNet वाली और. हाँ ये WaveNet यहाँ से शुरू है. With cloud machine learning, your application interprets images, texts, and so much more. सही है तो हमारा जो है ये वॉइस का नाम जो है वो यही है जो ए बी सी डी ई एफ जी एच वाला है ना वो वॉइस का नाम है और साथ में हमें लैंग्वेज का कोड भी देना है इसके और हमें और जेंडर देना है वापस चलते हैं हम वॉइसेस वाले पे तो इन्होंने किया हुआ है लैंग्वेज जेंडर फीमेल और ये पता नहीं क्या दिया इन्होंने अच्छा नेम यहाँ ये नेम दिया हुआ है ना नेम इस तरह करके दिया जाएगा इस केस में इन्होंने नाम लिखा ही नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट उठा लेगा कोई जो भी क्या फ्रेंच लैंग्वेज का जो भी डिफ़ॉल्ट है वो उठा लेगा हाँ अच्छा मैं समझ गया स्टैंडर्ड उठा लेगा वो जो भी ये वॉइस नेम देंगे तो वो स्पेसिफिक नेम उठा लेगा इसमें जस्ट इन्होंने नेम दिया है और कुछ नहीं बताया मेल फीमेल नहीं बताया तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या लेगा ये फीमेल लेगा आई थिंक ये आपने सही बिल्कुल पिक किया सही आपने कहा कि वो ए बी सी डी में कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे तो वो बी वाला जो भी होगा मेल फीमेल वही उठा ले गई Exactly. Correct. So unique है ये unique है इतना कि आप वो you know like सही पकड़ लेगा जो हमें चाहिए मैं यार जरा GitHub खोल के देखूँ ये SSML मैंने भेजा कैसे था ये कोई पुराना कोड है मेरा इसमें ऐसे समल का जिक्र ही नहीं है
किसी और प्रोजेक्ट में देखते हैं। मेरे जहन में भी नहीं आ रहा कि कौन से प्रोजेक्ट में मैंने लगाया है। वेल स्क्रॉल डाउन करते हैं, खुद ही आ जाएगा बीच में। चैलिस रस्ट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जरा, आप एक मिनट यहाँ पे नजर डालना। स्टोरी टेलर में ये लिखा था। हाँ यार, स्टोरी टेलर में भी तो हमने लगाया हुआ है ना ये। हाँ ये है, स्पीच में ही है दिया हुआ, स्पीच में स्पीक टैग दिया हुआ है, लाइक इसके साथ क्या बैक टिक के साथ सेम ही तो किया हमने। इसको एक ऑब्जेक्ट में पैक किया हमने। जस्ट अ मिनट, मैं आपका जरा पिन कर रहा हूँ अभी। हाँ जरा जूम इन कीजिएगा अपनी स्क्रीन को प्लीज। स्पीच यार सही तो, यही तो हमने किया है अभी भी। यही तो किया। SPECH स्पीच और टेक्स्ट SPECH और बैक टिक में डाला है उसको, लाइक ऑब्जेक्ट में पैक किया हुआ है। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। न्यू सिंपल रिस्पांस करके किया ना। हाँ न्यू सिंपल रिस्पांस किया तो वो उसका जो नया वाला जो था ना, न्यू नहीं ऐड सिंपल करके कॉन्वो डॉट ऐड, हाँ वो वाला चेक करके देखते हैं शायद उससे हो जाए। वेल अभी देखें, आप वाले प्रोजेक्ट में ये चल रहा है और आपने जाहिर है टेस्टिंग तो की होगी इसकी। नहीं नहीं ये तो लेकिन पुराना वाला है ना। नहीं मतलब मतलब ये चला था ना, मतलब चला होगा ना उस टाइम। ये चला कब था ना मलिक भाई? ये उसको जब हम बना रहे थे तब चला था, उसके बाद में थोड़ी ना चला है। वेल अभी इन्होंने क्या बोला था, न्यू सिंपल लगा दिया हमने। हाँ वो जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जो था, एक मिनट में आता हूँ डॉक्स को। यार वो तो शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे सिंपल जो वहाँ पे वो बता रहे हैं। एक मिनट ये लिंक भेज रहा हूँ आप। ये चेक करिए। नहीं ये तो SDK वाला है ना ये तो। अच्छा ये SDK वाला है। ओके सो एक्शंस ऑन गूगल, नहीं डॉक्स, कॉन्वर्सेशनल,
हाँ तो वही पेज है जो आप देख रहे थे। अच्छा ये मुझे इनका डॉक्यूमेंट मिल गया है इसी चीज़ का, सिंपल रिस्पांस वाले का ना। इन्होंने बोला है कि सिंपल रिस्पांस में ना, अभी एक ज़रा ऊपर की मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ इनकी, कि सिंपल रिस्पांस में, सिंपल रिस्पांस टेक फ्रॉम अ चैट बबल विजुअली यूज TTS और स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज फॉर साउंड। अब ये सिंपल रिस्पॉन्स है ही साउंड को लेकर। TTS इज यूज एट चैट बबल डिफॉल्ट विजुअल एस्पेक्ट दैट मीट्स अवर नीड और स्पीच स्पीच रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स टू बी स्पोकन इन द SSML और टेक्स्ट टू स्पीच। हाँ अब ये प्रॉपर्टीज इसने लिख दी, 640 कैरेक्टर चाहिए, चैट बबल चाहिए, मस्ट बी अ बबल पर टर्न, एट मोस्ट टू बबल्स। अच्छा है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। सही है, लोगो भी चैट हेड होगा। सही है। अच्छा सैम्पल कोड में इन्होंने यहाँ पे जो दिया है इसमें कॉन्वो डॉट आस्क न्यू सिंपल रिस्पॉन्स स्पीच और टेक्स्ट दिया हुआ है सीधा सीधा ना, कि स्पीच के अंदर इन्होंने SSML यहाँ पे शो नहीं किया, ये जस्ट सिंपल स्पीच रखा है। उसी के नीचे इन्होंने SSML एंड साउंड का ऑप्शन अलग से दिया हुआ है। यूजिंग SSML एंड साउंड इन योर रिस्पॉन्स गिव द मोस्ट मोर पॉलिश एंड इन्हांस्ड वो। अच्छा अच्छा इसमें इन्होंने बोला है कि ऐसे करके आप लगाओ, पहले SSML अलग लगाओ और ये अलग लगाओ, ऐसे बोल रहे हैं। बट ये हमने किया तो था थोड़ी देर पहले, कॉन्कैटेनेट करना है। नहीं यार ये हमने किया, ये अभी किया हुआ था हमने ये वाला काम अलग अलग से। आप देखो ना वो क्या कह रहे हैं कि वो स्पीक स्पीक को अलग रखा है, फिर प्लस किया है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, फिर प्लस किया है वापस, तो ये कॉन्कैटेनेट करके वो बोल बुलवा रहे हैं। नहीं नहीं ये तो एट द एंड वो सेम ही चीज बनेगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फ़र्क है। ये असल में इसलिए कर रहा है, ये इंटेंट अच्छे से होगा, ये मतलब इंडेंटेशन अच्छे से होगी इसमें कोड की जिस तरह इन्होंने लिखा है। अच्छा, इसलिए किया। हाँ अदरवाइज़ अगर मैं ये इसको इंडेंट करूँगा ना तो ये इंडेंट नहीं होता। जैसे ये वाला है ना, इसको अगर मैं ये पीछे कर दूँ और अब मैं इसको राइट क्लिक करके अगर इंडेंट करूँगा ना फॉर्मेट, फिर नहीं होगा। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ये प्लस वाला और इसका यहाँ पर प्लस एक अलग लगा दूँ, इसका प्लस एक अलग लगा दूँ, तो फिर जो है ना ये इंडेंट अच्छे से होगा। नोट किया आपने? अच्छा इंडेंट अच्छा 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 समझ गए ओके टोटली मेक सेंस। सो दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई दे डन इट। आई वाज लाइक ओके अच्छा इसको मैं रोक के जरा वो अलग-अलग वाला भी कर देता हूं, कॉन्वो डॉट आस्क और मैं ये जस्ट ये स्पीच वाला उठा लेता हूँ यहाँ से। कि ये अलग होगा और उसके बाद ये ऊपर जो टेक्स्ट है इसको मैं बिल्कुल अलग से उठा लेता हूँ और लेट्स सी कि अब ये काम करता है कि नहीं करता। सही ठीक है, एक मैंने ये रख दिया, दूसरा चलो इन्होंने बाद में रखा है तो मैं भी टेक्स्ट को बाद में रख देता हूँ, SSML को पहले रख देता हूँ, जस्ट टू मिमिक देयर अप्रोच। वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे से। दैट इज ट्रू। और मैं इसको कर देता हूँ अब रीसेट टेस्ट में, मैं कहता हूँ टॉक टू होटल बुकिंग। ऑलराइट, गेटिंग द टेस्ट वर्जन ऑफ होटल बुकिंग। Less than speak greater than less than s greater than high insamam malik. नहीं भाई ये कोई बग शायद ये गूगल असिस्टेंट में आ गया थोड़ी देर के लिए। वेल ये जो हमने कोड लिखा है ये बिल्कुल सही कोड है, इसको चलना चाहिए, बट ये ऐसे करके भी नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, मुझे ऐसा शक हो रहा है कि मेरे SSML में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ़ोन से टेस्ट करके देखें, ये शायद इसमें नहीं मैं इनका वाला SSML उठा लेता हूँ ना। मैं सही है, इनका वाला SSML उठा लेता हूँ क्योंकि मे भी मेरे SSML में कुछ मिस्टेक हो जो वहाँ चल जा रही हो। सही, वो यहाँ नहीं चल रही मेरे पास।
क्योंकि मैंने यहाँ डायलॉग फ्लो में नीचे लगा के चेक किया था ना, यहाँ तो चल जा रही थी, तो मे भी कोई ऐसी मिस्टेक हो जो जो डायलॉग फ्लो वाले उस पर सिमुलेटर पर नहीं मिमिक हो पा रही हो, बट वो यहाँ पर मिमिक हो जा रही हो। ठीक है, तो मैंने ये इनका वाला एज इट इज़ उठा लिया और अब इसको देखते हैं। Okay, getting the test version of hotel booking. Here are SSML examples. Here is a buzzing fly. And here's a short pause. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? अच्छा, मेरे SSML में कोई इशू था, ठीक है, क्योंकि इनका वाला SSML तो सही चल गया। अच्छा, ये URL एक्सपायर है इसलिए वो बजिंग साउंड नहीं आया, ये URL मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपायर हो चुका है, अदरवाइज चला तो बिल्कुल सही है इनका वाला ना। अभी मेरे में क्या प्रॉब्लम है यार मेरे वाले? हमारा वहाँ पे लाइक इनका कट करके हमारा पेस्ट करके देखते हैं, मतलब टाइप करके देखते हैं, फिर सिर्फ टाइप करके का डिलीट करके हमारी जो चीज़ थी वो टाइप करके देख लेते हैं। हाँ, मैंने कहा हाय, वेल मेरे SSML में ही कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा था, दैट्स ऑल, ये तो हमें पता चल गया। अब प्रॉब्लम था क्या? मेरे ख्याल से सेंटेंस नहीं चल रहा होगा। सेंटेंस है इसमें? सेंटेंस तो है यार, इस सेंटेंस तो है। हां, बकवास। नहीं, वो मेरे उसमें कुछ है इशू ना। पैराग्राफ सेंटेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज सेंटेंस टैग टू रैप फुल सेंटेंस स्पेशली इफ देयर SSML पासवर्ड्स। अच्छा, इन्होंने बोला भाई पहले पैराग्राफ लगाओ, पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस लगाओ। वेल, मेरे पास तो पैराग्राफ नहीं है, मेरे पास जस्ट एक सेंटेंस है। हाँ, लेकिन वो दे आर इंडिपेंडेंट, ये ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ के अंदर ही बात करना कोई। ऐसे मैं समझ रहा हूँ, मैं वो डब्ल्यू थ्री को देख के आता हूँ। नहीं, गलत ना रहा। क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा हूँ? स्पीक की स्पेलिंग सही है? All right, getting the test version of hotel booking. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? अच्छा, ये बिहेवियर भी इसका सही बिहेवियर नहीं है। वो असल में ये जो तरीका है ना, अगर इस तरीके से मैं लिखूँगा तो जो स्पीच में लिखा हुआ आएगा वो बोल के नहीं बोलेगा, वो सिर्फ स्पीच में ही आएगा। और जो टेक्स्ट में लिखूँगा, वेटिंग में हमजा अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो रुका हुआ है। सॉरी, आप क्या कह रहे थे, माफ़ करना। मैं कह रहा हूँ इस वाले तरीके में एक प्रॉब्लम और भी हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मैं SSML में लिख रहा हूँ और जो मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ वो दोनों डिस्प्ले हो जा रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, चल अभी भी सही गया ये। ठीक है, सही चला ये, तो इसको मैं कट करता हूँ वापस से, और मैं कट करके इसको इसी तरीके से सिंपल रिस्पॉन्स वाले में ही लिखूँगा मैं अल्टीमेटली। सही सही, क्योंकि सिंपल रिस्पॉन्स वाले का बिहेवियर ये है कि क्या किया मैंने ये। अच्छा, सिंपल रिस्पॉन्स वाले का बिहेवियर ये कि जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना वो डिस्प्ले होगा, वो सुनाई में नहीं आएगा, बोलने में नहीं आएगा, और जो स्पीच में लिखूंगा वो सिर्फ बोल के सुनाएगा। तो मैं इसमें शुरू में लगा देता हूँ दिस इज़ स्पीच, तो ये सिर्फ स्पीच में आनी चाहिए बात, ये डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर ना। क्या हुआ है ये? सही है, तो ये मेरा SSML यहाँ पे मौजूद है, दिस इज अ स्पीच वाला। स्पीच के बाद फुल स्टॉप दे दीजिएगा।
Okay, let's get the test version of hotel booking. This is speech. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? ठीक है, ये सबसे सही बिहेवियर है कि मुझे दिखा मैं कुछ और रहा हूँ, लिख रहा मैं कुछ और हूँ ना, क्योंकि जैसे वेदर आप बता रहे हो, अभी वेदर में आपने यहाँ पे लिखा कि भाई इट्स 30 डिग्रीज और डैश लगा के आपने कराची लिख दिया. ठीक है, ये लिखने में सही है, लिखने में शॉर्ट है, पढ़ने में आसान है, लेकिन बोलने में आप क्या बोलोगे कि हे इट्स 30 डिग्रीज आउटसाइड विथ सनी वेदर, ऐसे लंबी बात बोल सकते हो आप, सुनने में इतना मुश्किल नहीं होता हो, लेकिन लिख के जो चीज़ भेजते हो आप वो थोड़ी शॉर्ट रखनी पड़ती है क्योंकि लंबी लंबी बातें पढ़ना ज़रा मुश्किल रहता है. तो इसलिए इन्होंने ये डिज़ाइन गाइडलाइन में भी ये बात मेंशन की हुई है कि भाई लिखने में बात जो आती है वो प्लस निकाल के कॉन्कैटेनेशन निकाल के टेस्ट करें. हाँ, ये प्लस का तो सीन है ही नहीं, ये तो प्लस जस्ट उन्होंने जो अपना इंडेंटेशन के लिए लगाई हुई है. राइट राइट राइट, तो मैं इसीलिए टेस्ट कर रहा हूं. तो कॉमा रहेगा ना. अभी मुझे लग रहा है वो जो हमने सेंटेंस का एस लगाया था ना, वो भी अभी लगा के देखता हूँ, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा था कहीं. सही, पहले अभी इतने पे टेस्ट करते हैं, फिर बाद में वो भी टेस्ट करते हैं. ये तो चलना चाहिए उसूलन. Okay, here's the test version of hotel booking. अभी सही चलो. This is speech. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? Ridiculous, ना? अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं चल रहा था, अभी ये सेंटेंस लगा दिया मैंने, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी. एक ही पे सेंटेंस लगाया, दो पे नहीं लगाया. All right, let's get the test version of hotel booking. This is speech. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. How can I help you? अच्छा, वो अभी सेंटेंस से भी कुछ हुआ नहीं. वेल, जो भी लोग अभी वीडियो देखेंगे रिकॉर्डेड इसकी, उनका टास्क ये है कि इस पॉइंट पे वो रिवर्स करें, पीछे जाएं और पीछे जाके ये फिगर आउट करें कि उस वक्त ऐसे समय में प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा था, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि सब कुछ वही है अभी भी जो पहले था, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, यही चीज़ हम एग्जैक्टली यही चीज़ चला रहे थे. मेरे ख्याल से तो कोई डिफरेंस था ही नहीं, मैं कहूँगा मैट्रिक्स में ग्लिच था. मैट्रिक्स में ग्लिच आया, ये था ही नहीं, क्या बकवास है, क्योंकि हमने वही चीज वापस से टाइप की है, लेजिट कुछ डिफरेंस नहीं है. अच्छा, ये अलेक्सा में भी कई दफ़ा होता रहा है हमारे साथ ना, ये थोड़ी बगी है अभी, नए प्लेटफॉर्म्स हैं ना असल में, थोड़े ये बगी हैं और नए फीचर्स इतनी तेज़ी से ये ला रहे हैं कि पुराने वाले को ही स्टेबल किए बगैर और नए की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब मतलब वेवनेट पुराना हो गया, वो लोगों ने लैम्डा 2 ला दिया. सही. अच्छा वेल, तो हम ही अभी अपने बुकिंग वाले इंटेंट को कंप्लीट कर रहे थे, तो ये अब SSML जस्ट मैंने लगाया था कि चलो चेस्ट हो जाएगा, वो पता नहीं उधर ही निकल गया. फिर हम वेल अब आगे चलते हैं बुक रूम. प्लीज टेल मी व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक. वी हैव VIP, रेगुलर एंड इकोनॉमी रूम्स अवेलेबल. मैंने कहा भाई VIP रूम. Express. JS, I didn't understand. Can you tell me something else? Why? अच्छा, वो नाम शायद उसका जो चेंज किया था ना हमने, वो यहाँ पे उसको मैच नहीं किया. बुक रूम, एक तो बुक रूम है मेरा और दूसरा क्या है, बुकिंग रूम कैरोसेल ऑप्शंस. ओके, ये नाम शायद मैंने गूगल असिस्टेंट पे ना वहाँ पे कहाँ पे किया था मैंने, ये यहाँ किया था ना. ज़रा जस्ट टू मेक श्योर कि वो नाम में क्या ना सेम रखा है. नाम तो सेम है यार, फिर क्या हुआ. नाम तो सेम है, अभी एरर क्यों दिया इसने फिर. देख लेते हैं इसमें कुछ और ऐसी चीज़ तो नहीं है कहीं. अच्छा, ये रॉ रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं. अच्छा, डिफ़ॉल्ट फॉल बैक ही आया है डायरेक्टली. रूम टाइप
अच्छा रूम टाइप गया ही नहीं उसके पास। नहीं ये रूम टाइप वाला जो है ये इसके पास है, ये वाला रूम टाइप आ रहा है। अच्छा ये वाले ऑप्शंस जाहिर है ये इंटेंट ही नहीं चला, तो फिर ये इसलिए ऑप्शन भी ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा 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 रिफ्रेश मार के टेस्ट रिफ्रेश करके वापस एक बार टेस्ट करते हैं। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ वो कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा। बुकिंग रूम डायलॉग, बुकिंग रूम फॉलो अप है ना, नहीं हुआ। अबे ये क्या सीन है यार, कैनॉट डिस्प्ले प्लीज टेस्ट ऑन गूगल असिस्टेंट सिम्युलेटर कह रहा है। नहीं वो कॉन्टैक्ट्स तो एक्टिवेट होना चाहिए। ओके हो गया, वो एक्चुअली हुआ ये था कि कॉन्टेक्स्ट एक्टिवेट इसलिए नहीं हो रहा था कि कॉन्टेक्स्ट जो आउटपुट है ना वो इंटेंट के कंप्लीट होने पे एक्टिवेट होता है। तो चूंकि मैंने इस पर रिक्वायर्ड चेक लगाया हुआ था यहाँ पे, अच्छा ये पैरामीटर भी बाय द वे इसमें नहीं होगा राइट, ये पैरामीटर क्योंकि हम इसके जरिए तो ले ही नहीं रहे, हम तो कैरेजल के जरिए ले रहे हैं, तो इस पैरामीटर को मैं डिलीट कर सकता हूँ एक्चुअली। ठीक है चूंकि ये रिक्वायर्ड था तो जब तक वो इंटेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था इसके रिक्वायर्ड होने की वजह से, तो वेल इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब उसको होपफुली चलना चाहिए। और जब ये कॉन्टेक्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था तो चूंकि कॉन्टेक्स के अंदर हिडन है वो जो हमारा अगला बाकी का स्टेप है, तो इसलिए वो चल ही नहीं पा रहा था। सही, सो एसेंशियली अगर रिक्वायर्ड करेंगे तो वो कॉन्टेक्स तक पहुंच ही नहीं सकता। रिक्वायर्ड करेंगे नहीं, रिक्वायर्ड करेंगे तो वो जब तक उस फुलफिल नहीं होगा वो वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक इंटेंट कंप्लीट नहीं होगा, और इंटेंट कंप्लीट नहीं होगा तो जो आउटपुट कॉन्टेक्स है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और आउटपुट कॉन्टेक्स एक्टिवेट नहीं होगा तो जाहिर है वो चूंकि एक आधा पार्ट हमारा हिडन है तो वहाँ तक वो पहुँचेगा नहीं, ये रीज़न है। तो तीन चीज़ें हो रही थी यहाँ पर एक्चुअली जो मैंने वो पैरामीटर को हटा कर सॉल्व किया उसको। अच्छा अब मैं जाता हूँ ज़रा, मैंने कहा बुक रोम एंटर, What happened? Please tell me what type of room would you like to book? We have VIP, regular and economy rooms available. Okay, मैंने VIP select कर लिया. What is the num of guests? अच्छा, ये what is the num of guests इसने इस वजह से बोला. ये क्यों बोला इसने भला, अच्छा क्या हुआ है ज़रा दे, ओ मेरा सर्वर क्रैश हुआ है राइट। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पैराम्स डॉट नंबर ऑफ गेस्ट। लाइन नंबर 155, चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये एक्चुअली कोड ब्रेक हो जा रहा है कि भाई पैराम्स का जो है ना नंबर ऑफ गेस्ट अनडिफाइन है तो नहीं मिल रहा उसको। लेट्स ट्राई अगेन, प्लीज टेल मी व्हाट टाइप ऑफ, What is the num of guests? अब क्या हुआ? Cannot property reading params, cannot read properties of undefined reading params. यार params? तो नीचे line 132 कह रहा है। अच्छा अभी कहीं और भी इस तरह हुआ हुआ है, okay. 132 ये वाला, ओके वो कह रहा है कि क्या डायलॉग फ्लो फाइल एट MJS 132.18 और 155.23
लाइन 132 पे ही बोल रहा है यार ये, इस वाले पे ना, यहाँ जो हाँ, और कॉन्वो उसके डॉट्स। नीचे और एक भी है 155 पे। वन थर्टी टू पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हम, वाई? तो यहाँ पे फिर हमें पूरा इफ़ लगाना पड़ेगा अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो इफ़ में मैं क्या लिखूँगा, कॉन्वो डॉट सेशन अच्छा एक चीज़ मैं और देखूँ, वो एक्चुअल में मुझे वैल्यू मिली भी है कि नहीं मिली है। अच्छा ऑप्शन में मुझे वीआईपी तो मिल रहा है यहाँ पे, मैं ज़रा पैराम को ऊपर कंसोल कराता हूँ बजाय इन चीज़ों को छेड़ने के। और वो पैराम्स जहाँ पे ऊपर कंसोल करा रहे वहाँ पे लाइन नंबर भी लिख दें तो समझ आ जाएगा। All right, getting the test version of hotel booking. This is Please tell me what type of room would you like to book? We have VIP. What is the num of guests? अच्छा पैराम्स में ये मिल तो रहा है, num of guests अभी undefined मिला है, सही है क्योंकि मैंने दिया नहीं है अभी तक। तो क्या मैंने इफ एल्स की कंडीशन गलत लगाई हुई है? नम ऑफ गेस्ट, ये इफ चलना चाहिए और ये आस्क जाना चाहिए। अच्छा क्योंकि लाइन, अच्छा लाइन नंबर ये 32 पे ब्रेक हो रहा है अभी भी। यार ये पहले तो दो सही चल रहा था बिल्कुल, ये तो हमने पहले चला के देख लिया था, कल ही देख लिया था चला के, कॉन्वो डॉट सेशन डॉट पैराम्स डॉट रूम टाइप ना। ऑप्शंस वो नहीं, ऑप्शन ये तो ऑप्शन नहीं ही है, मुझे अच्छी तरह याद है सेशन स्टोरेज में असल में हम ये सेव करवा रहे हैं, ये मुझे अच्छी हाँ। तरह याद है, कल हमने चला के देख लिया ये बिल्कुल सही हाँ। चल रहा था, ये इसका सेशन स्टोरेज का डॉक्यूमेंट भी आ गया। अबे ये किस में खड़ा हुआ? हाँ वेबहुक, कॉन्वो डॉट सेशन डॉट पैराम्स डॉट एग्जाम्पल कलर जो भी आपका नाम है डॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, लेट कलर इक्वल टू कॉन्वो डॉट सेशन, ऐसे करके रिसीव करने के लिए और ऐसे करके सेव करवाने के लिए। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम किया था। रीड एंड राइट डेटा टू सेशन स्टोरेज टू अपडेट आर न्यू वैल्यू इन सेशन स्टोरेज असाइन द वैल्यू टू पैराम्स फील्ड ऑफ द सेशन ऑब्जेक्ट इन द वेबहुक कॉल। कॉन्वो डॉट सेशन डॉट पैराम्स, यार ये तो कल बिल्कुल सही चल रहा था। वेल इसको कॉमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए जस्ट टू अवॉइड दिस, क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट ना। ये लास्ट क्लास वाली वीडियो प्लीज़ देखिएगा, ये बिल्कुल सही चल रहा था। मे भी आज मैट्रिक्स में ज़्यादा ग्लिच आ रहे हैं, आज मैट्रिक्स मेंटेनेंस पे चल रहा है। अच्छा चेकिंग डेट सही है, नंबर ऑफ नाइट सही है, सही है। वो कोड यहाँ ब्रेक हो जा रहा था इसलिए ये नीचे तक जा नहीं पा रहा था। अच्छा इतने में मैं एक काम और भी करूँगा, इसको मैं ना ज़रा कंसोल भी करा दूंगा यहाँ पे ना।
session params. All right, let's get the test version of hotel booking. This is speech. Hi, Insamam Malik. I am your hotel booking assistant. Please tell me what type of room would... What is the num of guests? Ab kahan pe crash hua bhai? अच्छा ये कॉन्सोलों ने भी नहीं मांग रहा. चल कोई नहीं भाई, तुम तो कॉन्सोल. एक्चुअली कॉन्सोल भी उसको वो एक एक पार्ट करके कराना पड़ेगा. दोबारा मैं बुक रूम बोल देता हूँ इसको यहाँ से. प्लीज टेल मी व्हाट टाइप. यू क्लिक्ड ऑन अ कैरोसेल आइटम. You selected regular room. अच्छा ये तो मैंने यहाँ से ऐसे बोल दिया ask. You clicked on regular. अब ये भी तो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं गया? अच्छा मुझे अभी तो ये नहीं बताना एक्चुअली, अभी तो मुझे ये वाला बताना है ना. अब कौन convo.ask. यार ये रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए था एक्चुअली, बट नहीं आया यहाँ पे. अगर ये कोई भी ट्रू नहीं होता तो भी ये वाला तो जाना ही चाहिए था. ओके मे बी इट इज़ अबाउट टू बबल्स एट अ टाइम. ये कॉन्वो डॉट आस्क है ना, उन्होंने बोला था दो बबल जाएंगे, तो मे बी ये दो बबल ऊपर ही पूरे हो गए तो वो तीसरे वाले पे नहीं गया. मे बी समथिंग इज फिशी फिशी. प्लीज टेल मी व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक. वी हैव वीआईपी रेगुलर एंड अ. Please tell me how many guests are staying. यही था वो एक्चुअली टू बबल्स उन्होंने वहाँ कह दिया था कि सिंपल रिस्पॉन्स में दो बबल आएंगे मैक्सिमम. तो वो दो के बाद जो तीसरा आप आस्क लगाओगे तो वो नहीं उसको पकड़ा उसने. मैंने कहा कि वी आर थ्री पीपल. Please tell me when you want to check in. अच्छा अभी इस पॉइंट पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो ऑप्शंस में वो रहा या चला गया. ये था ना मेरा ऑप्शन, चला गया वो चला गया. अच्छा ऑप्शन में वो आ गया जो मैंने बात बोली थी, चला गया वो आ गया. ओके वेल अभी उसको पहले हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर वो सेशन स्टोरेज वाले को भी ज़रा हम दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं. टी ओ M O double R O W tomorrow. Please tell me how many nights you want to stay. 5 nights. Dear Insamam Malik, your booking is completed. Thank you for doing business with us. Finally. अच्छा, but हमें 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 ये वाला जो डेटा था हमारा, जो हमें वो पहली दफ़ा में कैरोसोल से मिला था, वो अगर हम सेशन स्टोरेज में सेव नहीं करवा रहे हैं तो हमने ये देखा कि वो डेटा हमारा ज़ाया हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है. ठीक है अब इसका क्या हल निकाला जाए. कॉन्वो डॉट पैराम्स इसका क्या? मैं एक सजेस्ट करूं. जी जी
एक और सेशन कर लेते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें ट्रबल शूटिंग और फिर वो जो डेटाबेस में रखवानी है, डेटाबेस से चेक करानी है, वो चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स राइट नाउ। हाँ यार सही आपने कहा। अच्छा ये हम मेरा ख्याल है हम यहीं पे इसको रोकते हैं, और होप सेशन तो हमारा आज आखिरी ही है। इसको मैं कोड को कमिट कर देता हूँ, इसका क्या नाम है, कमिट का नाम रख दूँ मैं, एक्शन ऑन गूगल पे ही रख देता हूँ। मेरे मुझे अभी याद आया कि आप वो पूरे रात के जागे हुए हो। अच्छा ऐसा है कि जो भी लोग अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो ये सुनेंगे कि मैं एक 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट है, वो मैं आपको भेजूंगा, ग्रुप में भेजूंगा, और मैं उसको गिटहब की जो रिपॉजिटरी है हमारी उसमें भी अपलोड कर दूंगा। गिटहब की रिपॉजिटरी जो है उसमें आप इंजमाम मलिक लिखेंगे जाके गिटहब में, तो वो मेरी आपको मिल जाएगी प्रोफाइल, ठीक है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। वो असाइनमेंट आपने बनाकर सबमिट करवाना है, तो जैसे ही वो सबमिशन आपकी हो जाएगी आपको सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाएंगे। डेडलाइन उसकी है 1 मंथ, आज 14 मई है, तो 14 जून से पहले पहले आपको सबमिशन करवानी है सर्टिफिकेट्स के लिए, ठीक है। उसकी सबमिशन किस तरह से होगी वो बता देता हूँ। चैटबॉट 10 के 10 रनिंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर आपके पास हरिको का अकाउंट, यू आर रनिंग आउट ऑफ अकाउंट, तो नया अकाउंट बना लें, नई ईमेल बना लें, कुछ भी करें, वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए ताकि मैं उसको लिंक को क्लिक करके चला कर देखूँ, चाहे वो वेब में हो किसी में भी हो। कुछ क्वेश्चंस के साथ तो मेंशन हुआ होगा कि ये फला प्लेटफॉर्म पे चाहिए, यानी वेब पे चाहिए, ठीक है। बाकियों के साथ जिनके साथ मेंशन नहीं हुआ वो आप जिस पे भी दिल करे आपका बना लें। तो गिटहब में सबका कोड पब्लिश होना चाहिए और सारे जो चैटबॉट हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 छोटे छोटे से रूल्स हैं, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।